अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कहानी। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है जो फूल राह की धूल थे। इसकी राइटर हैं इफ़त सहर पाशा। चलिए चलते हैं नॉवल की जानिब। अक्टूबर के अवायल में दिन तेजी से सिमटने और रातें बढ़ने लगी थीं। वो रात जो इधर आंख लगी और उधर खत्म हुई की तफसीर बनी हुई थी, अब आती तो यूं लगता जैसे खत्म ही न होगी। 8 बजे तक इशा की नमाज से फारिग हो जाने के बाद सीनिया को लगता उस पर इम्तिहान की घड़ी आन पहुंची है। जवानी की नींद तो बहुत बदमस्त और मदहोशी से भरपूर होती है, फिर क्यों उसे रात शुरू होते ही खौफ और वहमे घेरने लगते थे। वो कितनी ही देर बेचैनी से करवटें बदलती रही, दिल था कि किसी तौर चैन ही न ले रहा था और आंख आंख थी कि खुश्क ही न होती थी। या खुदा, ए मेरे खुदा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस एक अस्जद। वो खुद पे काबू पाते हुए तकिए महमूद ये सिसक उठी और बाहर स्याह रात धीरे धीरे गुजरने लगी, किसी की मजबूरी किसी की बेबसी का ख्याल किए बगैर। लड़कियां तो अपनी शादी की खबर सुन के खिल उठती हैं, जरा इसकी शक्ल देखो, जैसे शादी ना हुई कोई सजा सुना दी हमने इसे। आपा के आते ही अम्मी जिस तरह शुरू हुई, सीनिया और भी पसमर्दा होने लगी। ठीक हो जाएगी अम्मी जी, जो लड़कियां अपने मैके से ज्यादा अटैच होती हैं, उनके साथ यही मसला होता है, फामखा की टेंशन ले लेती हैं। आपा ने एक तीखी नजर किताब सामने रखे खामोश बैठी सीनिया पर डालते हुए अम्मी को तसल्ली दी। टेंशन ले लेती हैं या दे देती हैं, अम्मी ने तेज लहजे में कहा। जब से शादी की तारीख तय हुई है, मजाल है जो इसने एक भी काम में खुद से बढ़ के दिलचस्पी ली हो। तुम भी रोज रोज ससुराल से नहीं आ सकती, मैं अकेली जान कहाँ तक देखूं। चलें, कर लेने दें ऐश, वैसे भी इस बार मैं पूरे हफ्ते के लिए आई हूँ, जितनी हो सकी तैयारी करवा के जाऊंगी। आपा ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की। देखो, कोई शोक और भड़कीले से कपड़े नहीं लेने किसी के, पढ़ी लिखी फैमिली है, सभी बहुत डिसेंट और सोबर से हैं, बस उसी को सामने रख के शॉपिंग करनी है। अम्मी कुछ ठंडी पड़ ही गईं। उनकी गुफ्तगू को एक ही ट्रैक पे चलता देख के जीनिया का दिल भर सा गया। कहने को ये मेरी माँ, मुझे जन्म देने वाली, मेरी रग रग से वाकिफ, और ये मेरी माँ जाई, जिससे कोई खुशी कोई गम मैंने कभी नहीं छुपाया, और अब ये दोनों सब जानते बूझते ऐसे अनजान बन रही है जैसे मुझे मेरी ख्वाहिश को जानती ही नहीं। वो किताब बंद करती उठ गई। कल से तुम भी हमारे साथ बाजार जाओगी, अपनी शॉपिंग तुम अपनी पसंद से कर लेना। आपा को वो नजर आ ही गई थी। उसके होंठों पे तंजिया मुस्कुराहट फैली। पसंद? मेरी पसंद का क्या है आपा, शादी आपकी पसंद से, लोग आपकी पसंद के, तो फिर कपड़े मेरी पसंद के क्या माने रखते हैं, सिर्फ आप लोगों के शो को कामयाब करने के लिए। वो इस कदर कड़वा बोलेगी, ये ना तो अम्मी के जहन में था और ना ही आपा के, पहले तो वो शस्तर ही रह गई। बहुत अच्छा, तुम आराम से घर बैठो, मैं और अम्मी खुद ही सब कुछ कर लेंगे। आपा ने तेजी से हाथ हिलाकर अम्मी को कुछ भी बोलने से रोका और कतईयत से बोली तो वो पांव पटकती वहां से चली गई। देख रही हो इसकी हरकतें, अम्मी ने जाने अपने गुस्से को कैसे जतन से कंट्रोल किया था, उसके हटते ही फट पड़ी। उफ अम्मी, कुछ हौसला वो आजमा रही है, कुछ आप आजमाएंगी, तभी बात आगे बढ़ेगी ना। आपा ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो और बिगड़ने लगी। वो अपना नहीं मेरा हौसला आजमा रही है, गजब खुदा का, माँ बाप ना हुए दुश्मन हो गए उसके। माना के बात तय थी उसकी इज्जत से, मगर मुंह जबानी ही ना, कौन सा निकाह तोड़ा है हमने खुदा नख्वास्ता। फिर भी 5 साल हो गए थे बात हुए, कुछ तो असर लेना ही था ना उसने, और बाकायदा मंगनी थी, मुंह जबानी बात 5 साल तो नहीं रहती ना। आपा ने जीनिया का दिफा भी बहुत कमजोर लहजे में किया। इस घर में जो मुकाम अम्मी और अब्बू का था, उसे चैलेंज करने की जरूरत किसी में ना थी, बल्कि अब्बू के रोब तक तो बाद में बात पहुंचती, पहले हर मामला अम्मी की कोर्ट में अप्रूव होता था। फजूल बातें मत करो फारिया, ऐसी कमजोर सोच की है ये लड़की, हमने बात तय की थी, हमने खत्म कर दी, वो 3 में न 13 में, वह मखा असर लिए बैठी है। उन्होंने अपनी सी कहकर परहमी से सर झटका। अच्छा छोड़े उसे, कल को जब अपने घर बार वाली हो जाएगी तो हंसेगी अपने माजी की बेवकूफी पर, और वैसे भी कामरान काफी अच्छा बंदा है, और सबसे बढ़ के ये कि इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, तीनों भाई पढ़े लिखे, बहनें भी लायक फायक और भाभियां भी, इसका मिजाज मिल गया कामरान के साथ तो फिर कोई मसला ही नहीं। आपा और जीनिया के बीच कासिम था,
इस तरह वो आपा से 5 साल छोटी यानी 5 साल के फासले पर थी। ये फासला 2-4 साल कम होता तो शायद वो जीनिया को ज्यादा जान पाती। दिल पे लिखी तहरीरें किसी रबर से मिटाई नहीं जा सकती, तो फिर रोना काहे का था। वो भी दिल पे लिखा असद का नाम मिटाकर आराम से कामरान का नाम चढ़ा लेती, मगर कोई भी तो रबर नहीं था ऐसा। यहाँ आकर साइंस फेल हो गई थी। आपा की बातों ने अम्मी को वक्ती तौर पर बहला दिया, मगर जीनिया से वो कुछ ज्यादा खुश न थी। सबसे छोटी होने के बायस वो उनके रोब में थी और लाडली भी। इन मानों में कि तकरीबन हर फरमाइश ही पूरी की जाती थी कि माशी हालात अच्छे थे और अब जब मौका आया था तो पिछले बरामदे की ठंडी सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर सर रखे वो आपदीदा थी। 5 सालों से वो एक ही शख्स का नाम अपने नाम के साथ सुनती चली आ रही थी और वो शख्स था ही इस काबिल कि वो उसके हमराही पर फखर करती। खुशनुमा आंखों वाला वो शख्स कैसे दिनों में उसके दिल में घर कर गया था। उसने आंखें मूंदी तो कितने ही आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके रुखसार भिगोने लगे। बंद पलकों तले कई सुहाने मंजर जाग उठे थे। फकत 5 साल पहले ही की बात थी जब घर भर में लाडले बेटे आसिम की शादी के हंगामे जाग उठे। तब सीनिया एफए के एग्जाम से फारिग हुई थी और साथ ही घर में बल्कि उसके होश में ये पहला बड़ा फंक्शन हो रहा था। फारिया की शादी एफए के फौरन बाद हो गई थी। ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उसने शादी के बाद ली थी। दादी अम्मा को मैं महीना पहले ही घर ले आऊंगा, आसिम दादी का भी लाडला रहा था। ये तो आफिया बेगम यानी उसकी माँ ही उनके साथ न रह पाई थी और उनके सबसे बड़े नूरे नजर शब्बीर अहमद को लेकर बड़े ठाट से अलग घर में आन बसी। सच्ची बात तो ये थी कि बच्चों में से किसी का भी दादी के घर के बगैर गुजारा नहीं था, मगर जब बाप ही इस बात को समझ नहीं पा रहा था तो वो माँ का शिकवा क्या करते। छोटी छोटी बातों को गलत फहमियों में ढालकर शौहर के दिल को उन्होंने अच्छी तरह भर दिया तो फिर नतीजा अलहता घर की सूरत में निकला, जहाँ आफिया बेगम ने ठस्से से अपनी हुकूमत चलाई। शौहर को उन्होंने अभी तक अपनी आंखों देखी और कानों सुनी तक रखा हुआ था। जो वो कहती उसी के मुताबिक वो फैसला जारी करते थे और अब आसिम की ये पख उन्हें कतई न भाई। कोई जरूरत नहीं है घर को लोगों से भरने की, उन्होंने तेज लहजे में कहा तो आसिम ने एहतजाज किया। व्हाट लोग अम्मी, मैं दादी अम्मा की बात कर रहा हूँ, हमारे बाप की माँ। उसके बुरा मान जाने पर वो समझी, मेरे कहने का मतलब है कि अभी नए सिरे से घर की सेटिंग और पेंट वगैरह होने हैं। इस घर में रहकर ही हमने ये सब कराना है, ऐसे में उन्हें कहाँ संभालते फिरेंगे। अच्छा लगेगा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कमरे में शिफ्ट करते। उन्होंने गोया बात ही खत्म कर दी। अब पता नहीं ये मंतक आसिम के दिल को लगी या नहीं, बहरहाल वो खामोश हो गया था। उसके बाद घर की सेटिंग भी तब्दील हो गई और पेंट स्टंपर का काम भी पार लगा, मगर दादी अम्मा शादी से महज 1 हफ्ता पहले ही आईं, वो भी आसिम के पुरजोर इसरार पर। जीनिया मैं सदके जाऊं, इधर तो आ मेरी बच्ची, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, इधर आ नजर उतार दूं मैं। वो मेहंदी वाले रोज तैयार होके आई ही थी जब दादी अम्मा ने उसकी बलाएं लेते हुए पता नहीं क्या कुछ पढ़कर उस पर फूंका। कुंदन के दीदा सेब काम से सजा पीच कलर का लहंगा उसके अलड़ रूप को 4 चांद लगा रहा था। क्या कर रही हैं दादी अम्मा, मैंने तो मेकअप भी नहीं किया, वो शर्मा कर कसमसाई। उन्होंने उसकी अदा पर वारी जाते हुए उसकी पेशानी चूम ली। मेरी शहजादी को इन मसनूई चीजों की जरूरत ही कहाँ है, वो बड़ी बेताबी से अपने पोते का इंतजार कर रही थी। खुदा के लिए दादी अम्मा मुझे इम्तिहान में मत डालें, ताईजान से बहुत डरता हूँ मैं, वो उसे आसिम की शादी में शिरकत की पुरजोर दावत दे रही थी, जिसके जवाब में वो फोन पर डरने की अदाकारी करते हुए बोला, जितना हम लोग बंदों से डरते हैं उतना खुदा से डरे तो बख्शे जाए। वो नाराज हुई तो वो खूब ही हंसा, बस मैं कुछ नहीं जानती, तू शादी पर आ रहा है, उन्होंने आपके रोक जमाया। ये शादी से 2 रोज पहले की बात थी। अम्मी आ रही हैं, बल्कि सभी घर वाले, ऐसे में मेरी क्या जरूरत है भला, वो कन्नी कतरा रहा था। आफिया बेगम की तंजिया गुफ्तगू और लिए दिया अंदाज से सभी घबराते थे। ऊपर से जिस तरह वो अलग हुई थी वो बात किसी को न भूलती थी। दादी अम्मा के दुख को सब अपना दुख मानते थे। लो भला हर किसी की अपनी जगह होती है, तुम ना आए तो तुम्हारी कमी अपनी जगह। वो खफा हुई, मसला क्या है दादी अम्मा, सीधी बात बताएं। आप जानती हैं नया नया डॉक्टर बना हूँ, छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। लम्हा भर खामोश रहने के बाद वो मसालेहाना अंदाज में बोला तो कुछ सोचने के बाद वो राजदारी से बोली,
एक लड़की दिखानी है तुझे। क्यों, क्या मर्ज है उसे? वो चौंका। अल्लाह न करे, वो तहल कर बोली और उसे डांट दिया। सोच समझ कर बोला करो, अब डॉक्टर हूँ तो डॉक्टरी नजर से ही सोचूंगा। वो हंसा। उसकी हाउस शॉप मुकम्मल होने वाली थी। अच्छा संजीदगी से मेरी बात सुनो, सीनिया को दिखाना है। वो बिलाखिर बोल ही गई। उसे क्या हुआ है? हैरान होकर वो फिर से कह गया, फिर उनके डर से फौरन ही बोला, मेरा मतलब है कि खैर तो है, सालों हमारे साथ रह के गई है, देखी भाली है। लो इस देखी भाली को तो 3 साल होने को आए, तब नवी जमात में थी और अब 12 पड़ चुकी है। वह तफाखुर से बोली तो उसे हंसी आई। वाह बड़ा तीर मारा है, मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं दादी अम्मा, भाई कोई भी लड़की जो 3 साल पहले नवी में होती अब तक वो भी 12 पड़ चुकी होती। आपकी पोती ने क्या कमाल कर लिया भला? बेवकूफ, शक्लो सूरत रंग ढंग की बात कर रही हूँ। उन्होंने बिला तकल्लुफ उसे लताड़ा, फिर शहद आगी लहजे में बोली, इतनी नाजुक इतनी प्यारी, तबीयत उससे ज्यादा मीठी होगी, बल्कि वो पहले भी ऐसी ही थी। असद को 3 साल पहले वाली 14 साला सीनिया याद आई, जो अपने बहन भाइयों में सबसे प्यारी और उतनी ही डरपोक सी थी। एक तो मैं तुम्हारी इस बहस करने वाली आदत से बहुत तंग हूँ, आ लेने दो तुम्हारे बाप को, 1 की 10 ना बताई तो कहना। उन्हें गुस्सा आ गया, अपने तई वो उसे इतनी अहम मालूमात दे रही थी और वो किसी खाते में नहीं ला रहा था। अच्छा सॉरी, मैं कान पकड़ता हूँ, बल्कि कहती हैं तो मुर्गा बन के हाजिरी दूंगा आपके पोते की शादी में। वो शरारत से बोला, कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे इंसानों की तरह आओ, अच्छे से कपड़े पहन के, सीनिया को भी तुम्हें दिखाना है ना। उनके कहने पर वो छिटका, ये कौन सी नई रस्म निकली है दादी अम्मा? दादी का इतना तो मान रखोगे ना, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी, वो मासूमियत से बोली। असद खामोश रह गया। शब्बीर को मैं बांध के ना रख सकी, मगर हमें बेटी दे के हमसे बन जाएगा तो इसी बहाने कभी कभार उसकी शक्ल देख लिया करूंगी। बेटे के जिक्र पर वो आपदीदा होने लगी। वो बहुत छोटी है मुझसे दादी अम्मा, उसे दर हकीकत कोई बहाना ना सूझा था। ना मेरे बच्चे, इतनी अच्छी उठान है उसकी, रंग रूप कद काट सब तेरे साथ जचने वाला है संजू, वो जो ठान चुकी थी उनके लहजे से छलक रहा था। असद गहरी सांस भर के रह गया। वो ये भी जानता था कि दादी अम्मा के लबो लहजे का ये मान कि असद उनकी बात हर सूरत मानेगा उसके माँ बाप का दिया हुआ था। यकीनन अम्मी और अब्बू इस बात पर राजी थे, तभी दादी अम्मा उसे ओपन ऑफर कर रही थी और खुद तो वो उनका फरमा बरदार था ही। ओके, अब जबकि आप मुझे फांसने का इरादा कर ही चुकी हैं, तो मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ सिवाय सरेंडर करने के? हैं, सिलेंडर? काहे का सिलेंडर? दादी अम्मा इतनी हैरानी से पूछने लगी कि असद को अपने कहकहे पर काबू पाना मुहाल हो गया। दादी अम्मा से आफिया बेगम की कम ही बनती थी, वजह ये कि बड़े बुजुर्गों की तरह दादी अम्मा को भी अपने बच्चों को अच्छे और मुफीद मशवरे और नसीहतें देने का शौक था। मगर क्या किया जाए जब बच्चों को उसकी कदर ही ना हो। मगर बसाहिर वो दादी अम्मा के सामने बिल्कुल चुप रहती, अलबत्ता शब्बीर अहमद तक अपने अल्फाज में हर बात पहुंचाने से हरगिज ना चूकती थी। ये मैं ही हूँ जो बर्दाश्त कर रही हूँ शब्बीर, शदीद गुस्से के आलम में वो ये बात जताना हरगिज ना भूलती थी। वो कौन सा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आ गई है? शादी के दिन गुजार कर वापस चली जाएंगी? शब्बीर अहमद भी यूं बोले जैसे किसी और की माँ के मुतालिक गुफ्तगु हो रही हो। मगर आसिम, जीनिया और कासिम की तो मौजें हो गई थी, वो तीनों ही दादी के लाडले थे और उनकी आमद पर खुश थे। नाश्ते में दादी के हाथ से बने मक्खन के पराठे और चाय के साथ कोई न कोई हलवा। इस उम्र में भी वो बच्चों के लिए कमर कस के किचन में घुस जाती थी। आफिया बेगम अपने किचन में उन्हें पाकर खून के घूंट भर कर रह जाती, बच्चों को अलबत्ता खुरकती, क्या अम्मी इतने अरसे के बाद तो इतनी मजे की चीजें खा रहे हैं। आसिम मुंह फट था, वो हर शय उलट पुलट कर देती है, मेरे किचन का उन्हें क्या पता कौन सी चीज कहाँ रखनी है। वो अपने गुस्से पर काबू पाकर बोली तो वो हाथ हिलाकर कहने लगा, डोंट वरी, चीजें हैं तो किचन में ही ना, मगर मुझे ये बेतरतीबी बिल्कुल पसंद नहीं। वो तुनक कर बोली, तो आप उनके साथ खड़ी हुआ करें ना हेल्प के लिए किचन में। मशवरा मुफ्त था, वो जल कर रह गई, साथ ही खड़े होना होता तो अलग ना होती, ये तो आपकी गलती है ना। वो चल पड़ा था। क्या? वो उसकी जबान दराजी पर हैरान हुई। वो बाहर जा रहा था। इधर आओ ना जरा, क्या बकवास कर रहे हो? वो उसके पीछे लपकी, मगर उन्हें सुलगा कर वो निकल गया था। खबीस, वो दांत पीस कर रह गई। आज उनका लड़की वालों के यहाँ मेहंदी ले जाने का प्रोग्राम था। कहाँ रह गया ये संजू का बच्चा?
दादी अम्मा को एक ही फिक्र खाए जा रही थी। उसके माँ बाप बहन भाई पहुँच चुके थे अस्पताल में इमरजेंसी केस से निमटने की वजह से वो लेट था। 3 सालों में उनकी शादी तो हुई नहीं, फिर बच्चा कौन सा दादी अम्मा, सीनिया ने उन्हें छेड़ा था। शादी भी हो जाएगी जल्द ही, वो मुस्कुराई और बेहद प्यार से उसे देखा। चलो भाई अब निकलना है, सब गाड़ियों में बैठो, आसिम बाउजरत अंदर आते हुए बोला। एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता शलवार में वो बहुत हैंडसम लग रहा था और गले में डाला दुपट्टे नुमा साफा सीनिया को इस कदर खूबसूरत लगा था कि उसने साफ कहा था, ये बाद में मैं लूंगी और इसके साथ सूट मैचिंग करके सिलवाऊंगी। हो सकता है अरूबा का भी यही ख्याल हो, वो शरारत से हंसा था। वो दादी अम्मा को आसिम की गाड़ी में बिठाने गई तो आफिया बेगम ने उसे इशारा किया, इधर किधर, उधर कोई और गाड़ी देखो, मुझे अभी बैठना है, जगह है ना अंदर, आप भी बैठ सकती हैं। वो दधियाल वालों के मुतालिक माँ की तंग दिली और बुख्स से अच्छी तरह वाकिफ थी। नरमी से बोली तो वो दांत पीस कर उसे घूरने लगी। मैं जल्दी से वॉशरूम से हुआ, वो खिड़की में झुक कर दादी अम्मा को बताती, लहंगा संभालती तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी। तकरीबन सभी गाड़ियों में बैठ चुके थे और जो खड़े थे वो भी जगह देख कर बैठने की तैयारी में थे। नौकरों को हिदायत देकर आफिया बेगम बादल नाख्वास्ता दादी अम्मा के साथ बैठी थी। मजबूरी थी, अगर आसिम उस गाड़ी में ना होता तो वो कभी उस गाड़ी में ना बैठती। चलो भाई जल्दी करो, हमें पहले निकलना है, उन्होंने आसिम से कहा। उसका दोस्त ड्राइविंग सीट पर था। सब बैठ गए गाड़ियों में, दादी अम्मा ने चौथी मर्तबा पूछा था। बैठ गए हैं अम्मा जी, आप आराम से बैठें। आफिया बेगम अंदर से चिढ़ गई थी। बदजबानी ना करने का तहिया करने के बावजूद बेजारी उनके लहजे से जाहिर थी। भाई दूर का सफर है, गुजरात पहुंचते आधा पौना घंटा तो लगेगा ना, कोई पीछे रह गया तो मुश्किल होगी, वो सही कह रही थी। आसिम ने उनकी तसल्ली के लिए खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा, सब गाड़ियां चलने को तैयार थीं। एलो, वो अपनी जैनी कहाँ है, बाथरूम गई थी, दादी अम्मा को फिर से ख्याल आया। ओफो अम्मा जी, अभी तक बाथरूम में थोड़ी बैठी होगी, आगे बैठ गई होगी किसी गाड़ी में। चलो अब आसिम, तुम्हारे ससुर का बार बार फोन आ रहा है, देर हो रही है। जब्त करते करते भी उन्हें गुस्सा आ ही गया था, एक बार देख लूं। आसिम मुतसबसब था, अब कहां सारी गाड़ियां चेक करोगे, लड़कियों के साथ बैठ गई होगी, बच्ची तो नहीं है कि पीछे रह जाए, चलो तुम, वो चिढ़ गई। खुदा मालूम, दादी अम्मा मुतफक्किर थी और उनकी बातों पर आफिया बेगम का पारा हाई हो रहा था। 2-3 गाड़ियां उनसे आगे निकल गई थीं। नौकर बेवकूफ तो नहीं ना जिन्होंने दरवाजे बंद किए हैं, खुद सबको बिठाया है मैंने। आसिम ने माँ का मूड खराब होते देखकर अपने दोस्त को गाड़ी चलाने का इशारा किया था। सब तो ठीक है, मैं फकत जैनी की बात कर रही थी, दादी अम्मा के दिल को जाने कैसा वसवसा लगा था, हौले से बोली तो आफिया बेगम गर्दन झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगी। भिंचे हुए लब और माथे की तेवरी उनके मूड की सारी कहानी बयान कर रही थी। वो गहरी सांस लेके रह गई। और दादी अम्मा के वसवसे बेजा नहीं थे, सीनिया वाकई घर में ही थी। वो वॉशरूम में दाखिल हुई, इधर कमरों को ताले लगाने का काम शुरू हो गया। वॉशरूम से फारिग होकर वो जल्दी से ड्रेसिंग की तरफ आई और अपना कैचर उठाकर बाल समेटने लगी। भाड़ में जाए फैशन, वहां जाके खोल लूंगी। खुले बालों से उसे शदीद गर्मी महसूस हो रही थी। आईने में खुद पर एक तायराना निगाह डालकर वो पलटी और दरवाजे तक आई। नॉब पे हाथ रखा, उसे घुमाया, मगर वो अपनी जगह से ना हिला। एक बार, दो बार, सह बार उसका दिल खौफ से धड़का। उसे ख्याल आया सभी गाड़ियों में बैठने वाले थे, कहीं अम्मी, अम्मी, आसिम, आसिम भाई। वहशत के आलम में उसने दोनों हाथों से दरवाजा पीट डाला। हाथों की कितनी चूड़ियां टूटकर उसे जख्मी कर गईं, उसे अंदाजा नहीं था। अभी तो वो एक अनजाने से खौफ की जद में आई हुई थी। वो ऊपरी कमरे में थी, वो मुश्किल ही टीवी लगा के बैठी सुखरा तक आवाज पहुंची। ए नूरी, ऊपर दरवाजा बज रहा है कोई, उसने अपनी बेटी से कहा तो वो सीढ़ियों तक गई। हाय मैं मर जाऊं, पता नहीं कौन रह गया है अंदर। उसने सीने पे हाथ रखा, फिर धड़धड़ करती सीढ़ियां चढ़ गई। कौन है अंदर, नूरी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से पागलों की तरह दरवाजा खटखटाना बंद हो गया। मर जाओ तुम नूरी, दरवाजा खोलो, वो अंदर से चिल्लाई। हाँ जीनी बीबी, नूरी ने मुंह पर हाथ रखा, फिर बेचारगी से बोली दरवाजा कैसे खोलूं जी, चाबियां तो बीबी जी साथ ले गई हैं। मुझे नहीं पता, तोड़ दो दरवाजा, वो गुस्से से चीखी। नूरी उल्टे कदमों भागी, जाके माँ को सारी बात बताई तो वो सर पकड़ के बैठ गई। लो कर लो गल बीबी की, अपनी धी को घर भूल गई।
ओफो, अफसोस का वक्त नहीं है। सैनी बीबी को कमरे से निकालने की सोचो। नूरी झंझलाई, मगर सुगरा के वजूद की तरह उसका दिमाग भी मोटा था। ठस बैठी रही तो नूरी फिर से ऊपर भागी, जिधर जीनिया दरवाजा थरथरा रही थी। वो लोग तो कब के निकल गए सैनी बीबी, अब मैं भला कैसे दरवाजा खोलूं? वो बेबसी से बोली। अंदर वो रो रही थी। अपना घर, अपना कमरा था, मगर आज पता चला था कैद होने का एहसास खौफ दिलाता है। जगह कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करो, बालकनी में जाओ, मैं लॉन की तरफ से सीढ़ी लगाती हूँ बालकनी के साथ। अचानक नूरी के जहन में धमाका सा हुआ। वो पुरजोश से बोली तो जिनिया का भी दिल कुछ ठहरा। जल्दी से आओ, मैं जाती हूँ बालकनी में। नूरी कलांचे भरती नीचे भागी। अम्मा दरवाजे की घंटी बज रही है, वो तो देख ले कौन आया है। मैं सीढ़ी लगा के बीबी को नीचे उतार लूं, नूरी ने गुस्से से माँ से कहा, जो पुरशौक अंदाज में टीवी में लगी हुई थी। बदिक्कत उठी और मुंह बनाती बैरूनी गेट की तरफ कसत किया। नूरी स्टोर से फुल साइज लकड़ी की सीढ़ी तकरीबन घसीट कर लाई और लॉन में बालकनी के साथ लगा दी। जीनिया बालकनी में ही खड़ी थी। लहंगा पहने हुए सीढ़ी उतरना कैसा जान जोखों का काम है, ये उसे अभी पता चल रहा था। वाह, तुमने यहाँ आके क्या सर्कस में काम शुरू कर दिया है। वो अभी आखिरी सीढ़ी पर ही थी कि गैर मुतवक्का मर्दाना आवाज सताइश के लिए उभरी। उसने लॉन में छलांग लगाई और नागवारी से मुड़ के देखा। असिफ भाई, उसने फिलहाल रोने का इरादा मुलतवी कर दिया, मैं घर में ही रह गई हूँ। मुंह बसूर कर उसे तिला दी। वो तो मैं भी रह गया हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है कैदोबंद की सऊबत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी। वो मुस्कुराया। अब क्या होगा, फोन करके बुलवाऊं किसी को? वो तो आधे रास्ते तक पहुंच गए होंगे। उसे रोना आने लगा। मैं आते हुए ट्राई कर रहा था मगर नेटवर्क बिजी था, अभी शायद कॉल मिल जाए। असद ने उचकती निकाह उसकी सूजी हुई आंखों और सुर्ख होती नाक पर डाली और आसिम का नंबर मिलाने लगा। अरे यार, कहाँ हो तुम? हम तो निकल लिए, हद होती है सुस्ती की, आसिम लाइन मिलते ही खफकी से बोला। तेजी की भी एक हद होनी चाहिए, अब ऐसी भी क्या जल्दी दूल्हे मियाँ के बहन को पीछे ही छोड़ गए। वो हंसा था। सीनिया को और रोना आया, खफकी से असद को देखा। उसके लिए ये मजाक की बात थी? कौन, किसका कह रहे हो? आसिम चौंका। जीनिया शब्बीर अहमद, वो मजे से बोला। धत तेरे की, दादी अम्मा ठीक कह रही थी, वो वॉशरूम गई थी और मेरे ख्याल में सब ताले लगा के निकल आए। वो परेशान होने लगा। डोंट वरी, वो मेरे साथ आ जाएगी। पहुंचे कहां तक हो तुम लोग? असद ने उसे तसल्ली देते हुए मालूम किया, फिर बोला, ओके फिर रब्ता करूंगा, अभी निकलते हैं हम। वो मोबाइल जेब में डालता जीनिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। नूरी उसकी जख्मी कलाइयां देखकर परेशान हो रही थी। ये, असद ने भवें उचकाई, जोर से दरवाजा बजाया तो चूड़ियां टूट गईं। वो शर्मिंदा सी होने लगी। असद भाई से 3 सालों के बाद पहली मुलाकात, वो भी इस अंदाज में, उसने कभी सोचा नहीं था। असद ने वहीं ढूंढ ढांड के उसके जख्मों को साफ करने के बाद फिलहाल उन पर सनी प्लास्ट लगा दी। अभी टाइम नहीं है, असद ने उसे चलने का इशारा किया तो वो मुंह बसूरती चल पड़ी। ये आपकी गाड़ी है? स्याह कल्टस की चमक दमक उसे पसंद आई थी। फ्रंट सीट संभालते ही पुरशौक अंदाज में पूछा तो वो इग्निशन में चाबी घुमाते हुए बोला, मैं क्या शक्ल से चोर लगता हूँ? ये मैंने कब कहा? तो फिर इत्मीनान रखो, ये मेरी ही गाड़ी है, सफर शुरू हो गया था। उनका भी और गाड़ी का भी? तौबा है, मैंने तो मुबारकबाद देने के ख्याल से पूछ लिया था, ये तो नहीं कहा कि किसी की चोरी करके लाए हैं। वो नाराजी से बोली, भाई तुम कौन सा मुझे इतना जानती हो? वो आराम से बोला, और ये गुफ्तगू तो एक बहाना थी उसे जानने का। 3 साल पहले की जीनिया बच्ची थी और ये जीनिया एक खिलता हुआ गुलाब जो हर सू अपनी धीमी महक बिखेर रहा था। 3 साल पहले एक ही घर में रहते हुए भी असद ने शायद ही कभी जीनिया से बात की हो। एक वजह तो ये कि वो मेडिकल का स्टूडेंट था, इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि गैदरिंग में शरीक हो सकता। दूसरा ये कि वक्त मिलता भी तो जीनिया अपने हम उम्र कजन्स के साथ गेम्स में मसरूफ होती। भला उसे मेडिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट से क्या दिलचस्पी हो सकती थी उस उम्र में? और असद जो रिजल्ट आने के बाद हाउस जॉब शुरू करने वाला था, वो भला नवीं क्लास की बच्ची को क्या सोचता? पर ये दादियां भी ना बड़े मजे की शय होती हैं। अपनी सोच पर उसे खुद ही हंसी आई थी। जानती हूँ आप असद भाई हैं, चचा जान के बड़े बेटे डॉक्टर बन गए हैं, बल्कि आप हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद अपना क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो खफकी भरे लहजे में बोली थी। अरे वाह, तुम कोई जासूसा हो, बड़ी इन्फॉर्मेशन रखी है मेरे मुतालिक। वो हंसा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उसने तीखी नजरों से असद को देखा। मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ, तुम्हें अपना मजाक उड़ता महसूस हो रहा है?
वो मासूमियत से पूछने लगा, ये सब मुझे दादी अम्मा ने बताया है, मुझे कोई शौक नहीं आपकी जासूसी करने का। वो चिढ़ गई थी, थैंक गॉड, वरना तुम्हारी मालूमात सुनकर तो मुझे शुबा हुआ कहीं अंडरवर्ल्ड वालों ने तो तुम्हें मेरे पीछे नहीं लगा दिया। वो बास नहीं आ रहा था, वो ऐसा ही था, खुश दिल, खुश मिजाज, पुरबहार तबीयत का मालिक, इतना तो जीनिया भी जानती थी। हालांकि आफिया बेगम एक ही घर में रहते हुए उन्हें दूसरे कजन से खास खुलने मिलने नहीं देती थी, अब भी वो उसी मूड में था, मगर वो अपनी तबीयत का क्या करती, बेहद जज्बाती और हर वक्त रोने को तैयार। मुझे क्या जरूरत है आपके पीछे लगने की, वो कतरे खपकी से उसे देख रही थी, फिर याद आने पर इश्तियाक से पूछने लगी, आप बताएं ना, आपको कोई लेडी डॉक्टर पसंद नहीं आई, दादी अम्मा तो हर वक्त आपकी शादी की बातें करती रहती हैं। असद ने गहरी सांस भरते हुए नोखेज गुलाब के स्वरूप वाली लड़की को देखा और फिर मुस्कुरा दिया, इसकी नौबत ही नहीं आई, दादी अम्मा मेरे लिए एक लड़की पसंद कर चुकी हैं। अच्छा, वो हैरान हुई, आप दादी अम्मा की पसंद से शादी करेंगे, मजबूरी है, वो स्टेयरिंग घुमाते हुए मजलूम बना, अफसोस, चाहे किसी अंधी कहानी से ब्याह दें, वो मजाक उड़ाने लगी, अब क्या हो सकता है, चले मैं बात करूंगी दादी अम्मा से, आप तो डॉक्टर हैं, लड़कियां तो हंस के आपसे शादी करने को तैयार हो जाएंगी, वो फराख दिली से बोली। वो हंस पड़ा, मगर मुझे तो एक ही लड़की से शादी करनी है, चाहे वो हंस के करे या रो के। सफर इसी तरह हल्की फुल्की बातों में तमाम हुआ। अल जन्नत मैरिज हॉल पहुंचकर असद ने अपने छोटे भाई अहमद से कंफर्म किया, सब ऊपर वाले हॉल में थे। अम्मी ने उसे देखते ही वो लत्ते लिए कि खुदा की पना, मेरा क्या कसूर है, खुद ही दरवाजे लॉक करके चली आई, मैं तो बता के गई थी, उसके आंसू बहने को तैयार थे और असद को भी शायद इसी बात की तवक्का थी। दादी अम्मा को छोड़ तेजी से उनकी तरफ आया, ताईजान क्या करती हैं? ये बेचारी तो पहले ही परेशान है, बालकनी के साथ सीढ़ी लगा के उतारा है मुलाजमा ने, आपको तो शुक्र करना चाहिए खुदा का के नौकर घर में मौजूद थे, अगर सभी साथ आ जाते तो क्या होता। वो उन्हें शानों से थामे मुलायमत से मौके की संगीनी से आगाह करता उन्हें ठंडा कर गया। असद का वो काफी लिहाज करती थी, डॉक्टर जो बन रहा था। चलो अब मूड ठीक करो, दूल्हे की बहन हो, आफिया बेगम ने उसे तनकीदी नजरों से देखा, और ये बाल तो खोलो, मिलाद तो नहीं आज। अम्मी, वो रोहांसी होने लगी, यूं बतौर खास तैयारी उसे जहर लगती थी, बंदा हर वक्त कॉन्शियस फिरता रहे कि लड़कों की माएं हमें देख रही होंगी। वो अपने कैचर की तरफ हाथ बढ़ाती थम सी गई, असद ने उसे इशारे से मना कर दिया था, अभी गर्मी लग रही है मुझे, उसे बहाना सूझ गया था। आफिया बेगम को और गुस्सा आया, तू जो बाल खोल के फिर रही है, उन्होंने एसी लगवा रखे हैं क्या। जीनिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए, ऊपर से असद की मौजूदगी, ओफो ताईजान क्या करती हैं? उसे फंक्शन एंजॉय करने दे अपने ढंग से। वो फौरन ही उसकी मदद को आया तो बादल नाख्वास्ता उन्होंने उसे छुट्टी दी। उनकी बहन शारजा से आसिम की शादी में शिरकत के लिए आई थी और उनका लायक और काबिल इंजीनियर बेटा साथ था। उनका पक्का इरादा था कि वो इस बार खुद उनसे जीनिया और अम्मात के रिश्ते की बात करेंगी, मगर ये जैनी की बच्ची मजाल थी, जरा बराबर भी अकल पकड़ी हो। थैंक यू असद भाई, जीनिया ने तेल मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद मौका पा ही लिया था। अच्छा जी, वो किस लिए? असद ने उस पुरकशिश सी आंखों वाली लड़की को दिलचस्पी से देखा। आपने अम्मी की डांट से बचा लिया, और क्या, वो मुतशक्कर थी। तुम्हें अक्सर डांट पड़ती होगी, और नहीं तो क्या, सबसे ज्यादा। सैनी ये मत करो, सैनी ऐसे करो, सैनी वहाँ मत जाओ, उससे मिलो, उससे ना मिलो। वो मलूल थी, फिर खुद ही कहने लगी, आप ही की शादी के बाद शायद मैं घर में एक ही लड़की बची हूँ, इसलिए। फिर तो तुम्हें ताईजान की डांट से बचाने का कोई मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। वो मुस्कुराने लगा, दादी अम्मा अपनी टेबल पर बैठी दूर ही से दोनों की बलाएं ले रही थी, बल्कि चचीजान को भी दिखाया कि उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, वो कैसे? वो इश्तियाक से पूछने लगी। वो ऐसे कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएं, वो आराम से बोला। उफ, दादी अम्मा के साथ मेरा कितना जी चाहता है ना मैं फिर से उस घर में वापस चली जाऊं। वो खिल उठी, ओ दादी अम्मा कहाँ से आ गई दरमियान, ये ऑफर तो मैं कर रहा हूँ, वो आराम से बोला था। सीनिया बेसाख्ता बोली, आपके साथ भी चलेगा? ओके, वेट एंड सी। वो माने खेजी से मुस्कुराया और फिर दादी अम्मा के बुलाने पे उनके पास चला गया। अब बताओ कैसी लगी जैनी? दादी अम्मा पुरजोश थी, चची जान भी पास ही बैठी थी। लड़की तो ठीक है, लेकिन लड़की की अम्मा जरा ठीक होने वाली नहीं है। क्यों अम्मी?
वो हल्के फुल्के लफ्जों में गोया अपनी रजामंदी बयान करते हुए माँ से पूछने लगा, शर्म करो, बड़ी है वो और फिर ब्याह के तो जैनी को आना है ना। चची जान ने उसे खुरकते हुए साथ ही शायद खुद को भी तसल्ली दी। उधर आफिया बेगम जिस चक्कर में थी वो किसी को भी खबर ना थी। वापसी पे जीनिया चची जान की फैमिली के साथ उनकी गाड़ी में थी। दादी अम्मा वापसी पर भी आसिम ही की गाड़ी में बराजमान रही, जिस पर आफिया बेगम बस दांत किचकिचा कर रह गयी। अब उन्होंने जो कीड़े दुल्हन वालों के इंतजाम में निकालने थे वो आजादी से नहीं निकाल सकती थी, वरना आसिम को ही सुनाती। अगले रोज बारात भी बहुत धूमधाम से गुजरात के अलजन्नत मैरिज हॉल पहुंची। दूल्हा वालों का नहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। आफिया बेगम ने मुसलसल अपनी आपा राफिया को साथ रखा हुआ था। उन्हें वो वही प्रोटोकॉल दे रही थी जो होने वाली समधन को देना चाहिए। कुछ आसिम के ससुराल वालों को भी तवज्जा दो दुल्हन, दादी अम्मा ने संजीदगी से कहा तो वो अंदर से जल उठी। फिर उनके करीब होकर तफाखुर से बोली, बेटी वालों को क्या तवज्जा देनी, ये क्या कम है कि उनकी बेटी को ब्याह के ले जा रहे हैं। और रही बात आपा की तो अम्मा से रिश्ता तय कर रही हूँ मैं जीनिया का, दादी अम्मा की रंगत बदलने लगी। सैनी का मुझे तो तुमने नहीं बताया, चची जान ने उनके हाथ पर अपना तसल्ली आमेज मोहब्बत भरा दबाव डाला। अभी बता तो रही हूँ, खत में तो नहीं लिख सकती थी ना, अल्लाह ने चाहा तो आपा मंगनी करके ही जाएंगी, अम्मा को अगले हफ्ते छुट्टी मिल जाएगी। वो अपने मखसूस अंदाज में कहती जान छुड़ाती वहाँ से चली गयी, मगर दादी अम्मा के दिल को रोग लगा गई। आप परेशान ना हो अम्मा, हमने कौन सा रिश्ता डाल दिया था, अभी तो महज सोच ही थी। चची जान को भी अफसोस हुआ, जैनी उन्हें भी बहुत अजीज थी, मगर सास को सदमे की गिरफ्त से आजाद कराना भी बहुत जरूरी था। सो हल्के फुल्के लहजे में बोली, खुदा उसके नसीब अच्छे करे, मेरी तो दुआ है बेहतरीन जगह पे उसकी शादी हो, मगर आपदा मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ बच्ची बहुत नेक और सादा तबीयत की है। माँ वाली तेजी और तंदी तो उसमें आई ही नहीं, दादी अम्मा मलूल और अफसरदा थी। आफिया बेगम की बहन भी उन्हीं का पड़तू थी, स्टेटस कॉन्शियस और मैं मुब्तला। पता नहीं जीनिया जैसी सीधी सादी मासूम लड़की का क्या हाल करती जिसे माँ ने हमेशा शेरनी की निकाह से देखते हुए पाला था और वो हम वक्त घबराई बौखलाई हुई रहती थी। अभी अस्सर से तस्करा मत करना, बच्चे का दिल बुरा होगा, उन्होंने चची जान से कहा तो उन्होंने फर्मा बरदारी से अस्पात में सर हिला दिया। आसिम नहायत शान और शौकत से अरूबा को ब्याह लाया। सीनिया और फारिया ने बाकी कजन्स के साथ पहले घर पहुंचकर दुल्हन को खूबसूरत सा रिसेप्शन दिया। मुबारक हो आफिया, आज तुम भी बहू की सास बन गई। खुदा तुम दोनों को इत्तेफाक और सुलूक दे और इस घर को खुशियां नसीब करे। अपने कमरे में जाने से पहले दादी अम्मा ने आफिया बेगम को दुआ दी तो वो बल खा कर रह गई। ये तो तंस के तीर चलाने में कोई सानी नहीं रखती, उनके आपा ने मुंह बनाया था। सीनिया बरूबा के पास खुशी बैठी थी, नई भाभी वाला शौक और एक खूबसूरत दुल्हन को इतने पास से देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चची जान और उनके बच्चे गेस्ट रूम में रिहाइश पजीर थे, उनकी वापसी वलीमे के बाद होना थी जबकि दादी अम्मा सीनिया के कमरे में थी। सुन ली तुमने अपनी दादी की सुनहरी बातें, उनके जाते ही आफिया बेगम तड़क कर आसिम से बोली, जो खुद अपने कमरे में जाने को परतोल रहा था। क्या क्या कहा उन्होंने, हुल्ला इल्म था। एलो, सारी दुनिया ने सुना, बस इसी ने नहीं सुना जो तानों का बायस बन रहा है, वो चमक कर बोली। मैं, वो हैरान होकर अपनी तरफ इशारा करके बोला, और क्या, मुबारकबाद दे रही थी कि सास बन गई हो, कड़वे लहजे में बताया तो वो हंस दिया। तो क्या गलत कह रही थी, तुम नहीं समझते उनकी चालाकी को, उनके अंदर क्या है वो मैं जानती हूँ। ताना दे रही थी कि अब तो तुम भी सास बन गई हो, अब देखना जरा क्या होता है। उन्होंने अपना अखस करदा मतलब बयान किया तो आसिम दंग रह गया। क्या करती हैं अम्मी, वो तो दुआएं दे रही थी। बच्चे हो तुम अभी, मुझसे पूछो जो उनकी सारी चालों को भुगत के आई हूँ, वो क्यों दुआएं दे रही थी। यहाँ कौन सा हम बंदूक के लिए खड़े हैं, बहू के लिए जो वो इत्तेफाक सुलूक की दुआ कर रही थी, वो जल रही थी, सुलग रही थी। आसिम माँ की इस तंग नजरी और खुद से अखस किए तज्जियात को सुनकर दिल ही दिल में अस्तगफार पढ़ के रह गया, फिर उन्हें बुलाने लगा। बुजुर्गों की दुआओं से घर में खैर बरकत होती है, अब आप भी तो हमारे लिए दुआएं करती है ना, उनकी तरह दिखावे नहीं करती, दिल में ही मांग लेती हूँ खैर बरकत, वो तुनक कर बोली। अच्छा चलें ठीक है, बहुत टाइम हो रहा है, रेस्ट करें, आप भी थक गई होंगी,
कलाई पर बंधी घड़ी पर एक निगाह डालकर उसने बात समेटी तो उन्होंने बेटे को गहरी निगाह से देखा। हालांकि वो कितनी देर से उनकी बेसरोपा सुने जा रहा था, मगर अब उसे अपने कमरे में जाने की जल्दी हुई तो उन्हें बहुत महसूस हुआ। हाँ, अपनी दादी के खिलाफ तुम क्यों कुछ सुनने लगे? माँ ही गलत है तुम्हारी। ये कब कहा मैंने? चलें, अगर उनकी कोई बात आपको ठीक नहीं भी लगी तो आप गुस्सा थूक दें। दो चार रोज में वो चली ही जाएंगी। और फिर ये कोई वक्त है इस तरह की बातों का? आसिम ने अपने कमरे की जानब कदम बढ़ाते हुए कहा तो वो जलपला कर बोली, हाँ अब तुम लोग माँ को पढ़ाओगे? अभी से वक्त खत्म हो गया है तुम्हारे पास मेरी बातों को सुनने का। ओफो अम्मी, क्या हो गया है आपको? वो पलटा था। एक दुनिया देखी है मैंने बेटा, मैं तो तुम्हारे पैरों की धमक से तुम्हारा मूड पहचान लेती हूँ। आसिम ने गहरी सांस भरी। ध्यान के सारे धागे उस गुरू से जहाँ की सोच से उलझे हुए थे जो अकेली कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। ऐसे में आफिया बेगम की ये बेवजह क्लास उसे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं आपके पास बैठ जाता हूँ, जो बातें करनी है कर लें। वो सुकून से कहता सोफे की तरफ बढ़ा तो वो मुस्कुरा दी खुल के तमानियत से, ना बेटा तुम्हारी नई नवेली दुल्हन कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें माँ के हुकूक की अवलियत बता रही थी, मुझे भी नींद आ रही है। शब बखैर, वो इत्मीनान से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आसिम की पुरसोच निगाह ने उनका पीछा किया था, फिर वो सर झटकता खुशकुन सोचें लिए अपने कमरे में चला गया। वलीमे की तकरीब के बाद आफिया बेगम से सब्र नहीं हो सका। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो राफिया आपा से अम्मात और सीनिया के रिश्ते की बात करें और घर में मौजूद रिश्तेदारों खुसूसन ससुराली की मौजूदगी में ही बात तय हो जाए और मशहूर भी हो जाए कि आफिया बेगम का दामाद इंजीनियर है। उन्हें 120% यकीन था कि राफिया आपा भी यही चाहती है, तभी तो वो सीनिया के सबके वारी जाती रही थी। काश ये मेरी बेटी होती, कितनी ही बार वो कह चुकी थी। हालांकि अपनी दो बड़ी बेटियां वो ब्याह चुकी थी। बहरहाल इसी यकीन के तहत उन्होंने दादी अम्मा के सामने ही इस रिश्ते की बात छेड़ दी। अब बहनों में क्या पर्दा झिझक, आपने पूछा या मैंने? बात एक ही है भाई, एक से एक रिश्ता पड़ा है मेरी जैनी के लिए, मगर मैंने कहा पहला हक आपा का है, अम्मा से बढ़ के मुझे कोई नहीं। उनका बात करने का तरीका भी अनोखा था, ऊपर से टांग रखने वाला। दादी अम्मा ने तासुफ से अपनी बहू को देखा। हाँ लो भला, एक से एक रिश्ता पड़ा है तो कहीं बात तय कर दो ना। खैर से एफए कर चुकी है, 2 साल तक शादी कर देना, कुछ समझदार भी हो जाएगी। यापा साहबा का साफ जवाब था। आफिया बेगम को झटका लगा, बेयकीनी से बहन को देखा। भाई हम तो बच्चों की पसंद को तरजीह देने वाले लोग हैं। अम्मा की बात तो भाई साहब की निदा से तय हो गई, अमेरिकन नेशनलिटी है उसकी। फोन पे तो बात कर चुकी हूँ मैं, सोचा था बाकायदा मंगनी होगी तो खबर कर दूंगी। खैर जैनी के लिए कौन कौन सा रिश्ता है, इतनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। अगर आफिया बेगम को इंजीनियर दामाद का लालच था तो उनकी बहन भी अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर बहू के ख्वाब देख रही थी। अगर तो अकेले में ये मुंह तोड़ इनकार हुआ होता तो वो बर्दाश्त कर ही जाती, मगर अम्मा जान के सामने। आफिया की तो शर्मिंदगी की कोई हद ही ना थी और आपा की जीनिया से मोहब्बत का पोल तो खुल ही चुका था, अब भी इतने मीठे लहजे में पूछ रही थी कोई तमस्कर उड़ा रही हो कि कौन सा एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद है। उनकी पेशानी चमक उठी। रिश्ते तो सभी बहुत अच्छे हैं बेटा, मगर आफिया का दिल था कि एक बार अपनी आपा से पूछ लूं ताकि कल को वो शिकायत ना करे, वरना आपदा इसीलिए रुकी हुई है यहाँ कि आफिया हाँ करे तो वो जीनिया को अज्जत के नाम की अंगूठी पहना के ही जाए। दादी अम्मा की बात थी या धमाका, आफिया बेगम सुन रहे थे। अच्छा आपका, आपकी छोटी बहू क्या करता है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट? वो सरसरी अंदाज में पूछ रही थी। माशाल्लाह से डॉक्टर है अज्जत, अब तो अपना क्लिनिक भी बना लिया है उसने। कुछ अरसे तक मजीद पढ़ाई के लिए अमेरिका भी जाएगा, फिर आके इंशाल्लाह अस्पताल बनाएगा मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए, वो सादगी से बता रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, राफिया बेगम को शर्म आ गई थी। इधर आफिया बेगम के दिल को भी सुकून मिला, दादी अम्मा ने मौके पर इज्जत रखी थी और यह अज्जत इतना काबिल डॉक्टर बन चुका है, अपना क्लिनिक भी बना लिया। चलो फिलहाल तो वक्त गुजरे, बात के बाद में देखी जाएगी। वहाँ एक ही घर में रहने के बावजूद उन्होंने ना तो आपदा को और ना ही उनके बच्चों को कभी किसी गिनती में शुमार किया था। उन्हें ये तो पता था कि असद डॉक्टरी पढ़ रहा है, मगर उसकी कामयाबियों का शुमार नहीं रखा था। मगर वो जिस बात को वक्ती पर्दा समझ रही थी
उसी को खोलकर दादी अम्मा और आपदा ने सीनिया के सर की चादर बना दिया। शब्बीर अहमद से बात करके उन्होंने आफिया की तरफ देखा। वो कभी ससुराली रिश्तेदारों को मुंह न लगाती, मगर डॉक्टर दामाद ने बहुत कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया। और फिर सीनिया भी किस खाते में थी, महज फिर दादी की लाडली दादी ही के पास जाएगी तो सुखी ही रहेगी, उन्होंने सोचा था। और फिर जो कुछ उनकी अपनी बहन ने किया था, बड़ी धूमधाम से शादी होगी मेरी बेटी की, उन्होंने जताया था। अभी तो फिलहाल सबके सामने बात ही तय हुई थी। आपा से उनका दिल उचाट हो गया। सीनिया तक खबर पहुंची तो वो दमबखुद रह गई। तो ये वजह थी इस सवाल के पीछे, उसे ख्याल आया, मगर कुछ खास फीलिंग्स नहीं हुई। वो उससे भी पूरे 10 साल बड़ा था और उसने पहले कभी भी असद के बारे में इस लहज पर नहीं सोचा था। चची जान ने उसी वक्त असद को फोन कर दिया कि अगले रोज वो दोबारा आ जाए। वलीमा अटेंड करते ही वो वापसी के लिए निकल गया था। अफरा तफरी में भी चची जान और उनकी बेटी निमरा ने जो शॉपिंग की वो डायमंड रिंग समेत ही बहुत शानदार थी। मंगनी के सूट के अलावा भी सीनिया के 5 खूबसूरत जोड़े थे, मां मैचिंग ज्वेलरी। सीनिया उलझी हुई थी, इतनी जल्दी तो और क्या, बुढ़ी होके ब्याह रचाओगी? फिलहाल सिर्फ मंगनी हो रही है, 4-5 साल पढ़ लो फिर शादी होगी, तब कौन सा डॉक्टर बैठा होगा तुम्हारे लिए। वो आपस से जली बैठी थी। शुक्र अल्लाह करके कोई काबिल दामाद मिला था तो उस पे भी ये आनाकानी करने लगी थी। सो उन्होंने छाड़ दिया, मैंने कौन सा शर्त रखी हुई है डॉक्टर की, वो खफा हो गई। शाम को उसकी मंगनी की शानदार सी तकरीब मुनक्कद की गई। अरशद बेहतरीन सूट में मलबूस था, उसका ऊंचा लंबा वजीह सरापा सब में नुमाया था। निमरा ने अपने लाडले भाई की तारीफें कर करके दुल्हन बनी सीनिया का दिल भी धड़का ही दिया। उस पर अरशद की खुल्लम खुल्ला फरमाइश, अंगूठी मैं खुद पहनाऊंगा, दादी अम्मा की मंगेतर थोड़ी है ये, वो बहुत कॉन्फिडेंट था। मुझे शर्म आएगी, सीनिया को एकदम से उस सिचुएशन को कबूलने में दिक्कत पेश आ रही थी। अभी कल तक तो किसी ने सीनिया की शादी का नाम तक ना लिया था और आज वो यूं सजी संवरी किसी के नाम होने जा रही थी। उसे कहो एक बार अंगूठी पहन लो, फिर ये शर्म वरम आनी बंद हो जाएगी। असद ने निमरा के हाथ पैगाम भिजवाया और फिर वो लम्हा भी आया जब वो 2-सीटर पर उसके साथ आकर बैठा। सीनिया का दम हलक में अटकने लगा। असद तो भाई था, असद भाई, और अब ये नया रूप, वो कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हो रही थी। इजाजत है दादी अम्मा, असद ने अंगूठी थामते हुए शरारत से पूछा तो आफिया बेगम मुस्कुराई। इजाजत है तो यहाँ बैठे हो बेटा जी। थैंक यू ताईजान, उसने सीनिया का हाथ थाम लिया और फिर उसे एकदम से ठंडा पड़ता महसूस भी कर लिया। चलो भाई, तुम तो तोलने बैठ गए हो, बहुत भारी हाथ है, आसिम ने शरारत से कहा तो वो हंसा। बड़ा ठंडा है यार, पीपी लो लग रहा है। ये लो, शुरू हो गई इनकी डॉक्टरी। भाई साहब, ये आपकी ससुराल है, अस्पताल नहीं। असद से छोटे अहमद ने उसकी तवज्जो दिलाई। वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। इधर जीनिया का दिल बहुत सहज सहज कर धड़क रहा था। अपने सर पड़ते हाथ पर उसके मजबूत हाथ की गर्मी उसे अच्छी तरह महसूस हो रही थी। चलो जी, क्या याद करेंगी जीनिया बीबी, आज तक तो डॉक्टर फीस लेते ही आए हैं, उसने शोखी से कहते हुए अंगूठी सीनिया के मखरूती उंगली में डाल ही दी। सीनिया ने फौरन ही हाथ खींचा, सभी हंसने लगे। इसे भी सिर्फ हीरे की अंगूठी का इंतजार था, कासिम ने कहा तो सीनिया को भी हंसी आई और गुस्सा भी। खैर, कासिम से तो वो अच्छी तरह निमट लेती थी। फोटो सेशन, मूवी मेकिंग, एक लंबा सेशन, मगर सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। इस तरह से अंगूठी पहनाने की बारी पर शब्बीर अहमद को आगे किया गया। आप कहाँ जहमत करेंगे तायाजान, मैं जैनी ही से पहन लूंगा। असद ने बड़ी हमदर्दी दिखाई तो उन्होंने हंसते हुए डिबिया सीनिया को पकड़ा दी। मैं नहीं, वो मिनमिनाई। खबरदार, असद उसी की तरफ मुतवज्जा था। वो तिल मिलाई, ये अच्छा रोब है, अभी से अपनी मनमानिया। चलो भाई जैनी, अंगूठी पहना दो, अरुबा ने कहा तो वो अंगूठी हाथ में लिए मुंतजर हो गई कि अभी वो हाथ आगे करेगा। क्या सोच रहे हो यार, बल्कि अब तो सोचने का टाइम निकल चुका है, आसिम ने उसे याद दहानी कराई थी। असद ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे किया तो जीनिया ने बगैर देखे अंगूठी पहनाने की कोशिश की, मगर अंगूठी आगे जाने से इनकारी। ये छोटी है, वो हार गई। ये छोटी नहीं, अंगूठा बहुत बड़ा है, निमरा की बर्जस्तगी पर कहकहा पड़ा तो वो ये देखकर शर्मिंदा हुई कि वो बिना देखे अंगूठे में रिंग डालने की कोशिश कर रही थी। तब उसने बहुत एहतियात से असद की उंगली में अंगूठी डाल दी। थैंक यू, वो मुस्कुरा रहा था, निगाह सीनिया पर थी। सीनिया ने एक नजर उसे देखा, वहाँ अपनाइयत के सारे रंग थे। सीनिया को लगा वो असद के साथ खुश रहेगी।
आज उनकी वापसी थी। ज़ेनिया फारिग हो, वो बेडशीट बिछा कर फारिग ही हुई थी जब निम्रा ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। हाँ हाँ आ जाओ, वो तकिये सेट करते हुए खुशगवारी से बोली। निम्रा उसकी हम उम्र थी और उससे दोस्ती भी बहुत थी। अस्सलाम वालेकुम, गैर मुतवक्का आवाज। वो उछल कर पलटी, वहाँ निम्रा की जगह उसके भाई साहब मौजूद थे, इधर उधर निकाह घुमाते कमरे का जायजा लेते। वो निम्रा, ज़ेनिया हकलाई, पहली लड़की देखी है जो मंगेतर के बजाय नंद का इंतजार कर रही थी। वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा था, उसे टूट के शर्म आई। अब बताओ खुश हो मंगनी से? वो उसके सामने खड़ा था। पता नहीं, ज़ेनिया को अपनी टांगों की लर्जिश अच्छी तरह महसूस हो रही थी। यानी कि नाखुश हो? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, वो सादगी से बोली। अच्छा तो अब पूछ लेते हैं, वो उसकी साफ गोई से महसूस होते हुए बोला। ज़ेनिया, अरशद से शादी करोगी? वो पूछ रहा था। नहीं, बेअख्तियार ही उसने कहा था, फिर उसके तासुरात देखते हुए वजाहतन बोली, अभी मंगनी ही ठीक है, मुझे पढ़ना है। थैंक्स गॉड, डरा दिया था तुमने मुझे। वो हंसा था, और अब वो नहीं था, कहीं भी नहीं था, ना इस मुल्क में और ना ही ज़ेनिया की जिंदगी में। वो अपने कमरे में बंद अंधेरा किए असद की याद में रो रही थी। उसके दिल में बसने वाला, उसकी धड़कनों को नए अंदाज सिखाने वाला पहला शख्स जिसे उससे जुदा कर दिया गया था। कल तुम्हारी सास और नंद आ रही हैं। वलीमे का लहंगा खरीदना है, तुम्हें साथ ले जाने के लिए कह रही थी, अम्मी ने उसे बताया तो वो साकित रह गई। तो दायमी जुदाई असद? वो खाना छोड़ के उठ गई थी। सैनी, आफिया बेगम ने पीछे से पुकारा, मगर वो हवास में ही कहां थी, ऊपर टेरेस की सीढ़ियों पर आ बैठी। वो बेबस हो गई थी हालात के सामने। यूं ही छोड़ देना था तो मेरे दिल में नए जज्बे क्यों जगाए थे असद? मैं तो कोरा कागज थी, उस पे अपनी मोहब्बतों की दास्तान लिख के अब बेहिस बने तमाशा देख रहे हो? आ क्यों नहीं जाते मुझे सबसे छीनने के लिए? उसे रोना आ रहा था। उसे साल भर पहले के दिन याद आए जब ग्रेजुएशन के बाद चची जान के बहुत इसरार पर वो उनके यहाँ 2 हफ्तों के लिए गई थी। वो सुनहरे दिन उसकी आंखों में रोशनी सी भर गई। इधर आसिम की शादी के बाद घर में अरूबा की शक्ल में गोया एक रौनक आ गई थी। हंसती मुस्कुराती हर पल चहकती अरूबा जहाँ आसिम की चहेती बीवी बनी, वहीं ज़ेनिया और कासिम की दोस्त नुमा भाभी। हफ्ता भर में ही वो जैसे इस घर की ऐसी मकीन बन गई जो गोया सालों से यहीं रहती आई हो। असल मसला तब शुरू हुआ जब अरूबा ने किचन में पांव रखा। अम्मी आज मैं पकाऊं? हांडी में प्याज लाल करती आफिया बेगम से उसने बड़ी चाहत से कहा तो पहले वो हैरान हुई, फिर सफाचट अंदाज में बोली, नहीं ये मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं, मैं भी तो फारिग हूँ। वही बहुओं वाला घरदारी का नया नया शौक, घर वालों को अच्छा खिलाकर दांत पाने का मासूम सा शौक। फारिग वक्त गुजारने के और भी कई तरीके हैं, जाके टीवी देख लो, वो बड़ी मसरूफियत जाहिर करते हुए कह रही थी। और अरूबा समझ न पाई कि वो किचन पर अपनी इजारादारी चाहती हैं। वो तो दादी अम्मा को किचन में बर्दाश्त न करती थी, कजा ये कल की छोकरी, उसे तो वो अव्वल रोज से उसकी हद में रखना चाहती थी। और फिर रोजाना ही ये होने लगा, सबके लिए नाश्ता तक वो खुद बनाती थी, माँ सिवाय आसिम और अरूबा के उसे अपना और आसिम का नाश्ता बनाने की इजाजत थी। इसके अलावा वो चाहे बर्तन धोए या मासी के सर पे खड़ी होकर सफाई कराए और कपड़े धुलवाए, वो आफिया बेगम का दर्द सर ना था। उन्होंने अभी तक अरूबा को हांडी ना पकाने की वजह नहीं बताई थी। वो हम दोनों को ज्यादा से ज्यादा करीब होने का मौका देना चाहती हैं जान। आसिम को अपनी उलझन बताती तो वो उसे बाहों के घेरे में लेते हुए बोला, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं जनाब। उसे हंसी आ गई, शुक्र करो इतनी अच्छी सास मिली है, वरना बहू को सताने का सबसे अच्छा तरीका हमारे मुआशरे में यही है कि उसे चूल्हे के आगे मुस्तकिल खड़ा कर दो। आसिम ने बात को सरसरी अंदाज में लिया, आज तक किचन आफिया बेगम ने ही संभाला हुआ था, सो अरूबा का ये मसला घर में से तो शायद ही किसी को समझ में आता, मगर मैं भी कुछ पकाना चाहती हूँ घर वालों के लिए, आपके लिए। मेरा इतना दिल चाहता है कि आप मेरे हाथ का बना खाना खाएं। सच्ची मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ, वो उलझी उलझी से कह रही थी। आसिम मुस्कुरा दिया, चलो ठीक है मैं अम्मी से कह दूंगा, कल से खाना तुम ही बनाओगी, अम्मी नाराज तो नहीं होंगी ना? उसे खदशा लाहक हुआ। कमन रूबा, वो भला क्यों खफा होंगी? नई बहू हो इसलिए तुम्हारे नखरे उठा रही हैं। आसिम ने उसे समझाया तो वो शाने छटक के रह गई। किचन का इतना ख्याल है और शौहर की कोई परवाह नहीं जो तुम्हारी एक नजर को तरस रहा है? उसने अंदाज बदला था। कमरे में अरूबा की कलकल करती हंसी गूंज उठी।
ऑफिस के लिए निकलने से पहले आसिम किचन में आया, जहां आफिया बेगम फ्रिज में मौजूद सब्जियों का जायजा ले रही थी। क्या बात है, कुछ चाहिए? उन्होंने उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए पलट कर देखा और पूछा। नहीं, खुदा हाफिज कहने आया था। वो मुस्कुराया। अच्छा, ध्यान से जाना, अल्लाह हाफिज। उन्होंने उसे अल्लाह के अमान में सौंपते हुए अपना मशगला जारी रखा। आज क्या पकने वाला है, वो जैसे पसबीले तस्करा पूछने लगा। गोश्त का एक पैकेट रखा है, इसी के लिए सब्जी देख रही हूँ। क्या ख्याल है, गोभी डाल लूं या मटर? उन्होंने पूछते हुए उसकी राय चाही तो वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, मुझे तो दोनों ही सब्जियों में मटन पसंद है, आप जो जी चाहे पका लें। अच्छा चलो ठीक है, वो हंसती, मटर पुलाव बना लूंगी और चपातियों के साथ गोभी गोश्त, साथ में रायता सलाद तो होता ही है। इतना लंबा चौड़ा मेन्यू है, थक जाएंगी। उरूबा से हेल्प ले लीजिएगा, बल्कि आज हांडी उसी से बनवाए, आप पुलाव बना लीजिएगा। वो खुशदिली से उन्हें मशवरा दे रहा था। इतना लंबा चौड़ा भी नहीं, पहले भी मैं ही करती रही हूँ, सेनिया रायता और सलाद बना लेती है, अब अरूबा से कहूंगी वो बना देगी। वो संजीदा हो गई थी। टोकरी में सब्जी निकाल के पलटी तो वो अभी भी जैसे कुछ कहने के इरादे से खड़ा था। उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि वो क्या मसला सुलझाने आया है। चलो जाओ, अब देर हो रही होगी। उन्होंने छुरी तलाश करके टोकरी में रखी। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि अरूबा भी किचन के कामों में आपकी हेल्प करे, ऐसे ही फारिग बैठी रहती है। लग रहा था कि वो अरूबा के मसले का हल चाहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, उससे बोलो सब्जी बना दे और फिर आके बर्तन धो डाले, मैं इतनी देर में गोश्त चढ़ा लेती हूँ। उन्होंने सब्जी की टोकरी उसे थमाई और अवधारी से बोली तो आसिम मजीद बहस किए बगैर अरूबा को टोकरी थमा के ऑफिस के लिए निकल गया। और फिर ये मसला दिन ब दिन जोर पकड़ने लगा। आफिया बेगम किसी तौर अरूबा को हांडी की तरफ आने नहीं देती थी। तुम सब्जी बना लो, बर्तन धो लो, सलाद या रायता बना लो। अरूबा ऐसी भी किचन के कामों की शौकीन नहीं थी, मगर यूं खुद का नफी किए जाना उसे अच्छा नहीं लगा था, जैसे वो किसी काम की ना हो। कभी कभार अरूबा से भी पकवाया करे ना, आसिम ने कई बार कहा था। तुम्हें मेरे हाथ का पका अच्छा नहीं लगता? उन्होंने खफकी से पूछा। आपसे अच्छा तो कोई भी नहीं पका सकता, तो फिर क्या मसला है? वो उल्टा पूछती तो वो लाजवाब होने लगता। देखो, हम सब लोग एक जायके के आदी हो चुके हैं, अब एकदम से नए जायके को अपनाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, उन्होंने कह ही दिया था। आसिम तो खामोश हुआ ही था। उसने अरूबा को भी जैसे तैसे करके समझा बुझा दिया। मेरा भी तो जी चाह सकता है बेवक्त कोई चीज पका के खाने को, अब हर चीज अम्मी से तो फरमाइश करके नहीं पकवा सकती मैं। अब ऐसी भी पाबंदी नहीं है तुम पर, आसिम ने उसे छूट दी थी, अरूबा ने उसी को बहुत जाना। आफिया बेगम खाना पका के फारिग हो जाती तो वो स्वीट डिश बनाने घुस जाती, कभी जरदा, कभी हलवा और कभी गाजर की खीर, और चीजें भी ऐसी जो सभी शौक से खाते थे माँ सिवाय आफिया बेगम के। वो हलवे की रंगत देख के ही उसे रिजेक्ट कर देती। हलवा तो मैं बनाती हूँ, सब उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं, ये देखो मेरा सफेद मैदा लग रहा है, भूना ही नहीं सूजी को, और अगर कभी वो सूजी को ज्यादा भून लेती तो। तेज आग पे सूजी लाल करके शीरा डाल लेने से हलवा थोड़ी बन जाता है, कच्चापन तो गया नहीं, जो खाए पेट में दर्द डाले। और ये तबसरे वो बबांग दहल करती थी। सब ही को उन पर एतराज होता, मगर कोई भी बोलकर अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता था। अलबत्ता बाकी सबका शौक से हर चीज खा लेना अरूबा को तकवियत दिए हुए था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आफिया बेगम को उससे क्या मसला है। दरअसल अम्मी ने शुरू ही से हमारे लिए हर काम अपने हाथ से किया है ना, इसलिए सीनिया और कासिम भी शर्मिंदा होते। बहरहाल अरूबा के दिल में आफिया बेगम की तरफ से किराह पड़ चुकी थी। उसने देख लिया था कि बेमा शौहर वो सब घरवालों पर अपना हुक्म चलाने की आदी थी, इसलिए वो उनके सामने आने से गुरेज ही करती थी। सैनी, कभी असद का फोन नहीं आया तुम्हें? वो कई दिनों से उससे पूछना चाह रही थी। अच्छा ही है ना, मैं भला उनसे क्या बात करती? वो फौरन बोली, बेवकूफ, हो सकता है वो तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हो। अरूबा ने उसका ध्यान कराया। लो, मैं कौन सा पहले कभी उनके रास्ते में थी? वो ऐसी ही थी, सादा तबीयत और कतरे लापरवाह। हटो तुम, पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रही हो, मैं खुद बात करूंगी असद से, अरूबा ने मुसम्मम इरादा किया। और फिर वाकई उसने असद से लंबी बातचीत की, और उसके बाद वो अरूबा को कभी कभार उसके मोबाइल पे कॉल करने लगा। थोड़ा बहुत तो जान लो एक दूसरे को, अरूबा ने कहा था।
दिन पर लगा के उड़े तो महीने सालों में बदल गए। आसिम और रूबा के यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश ने घर भर में खुशी की लहर दौड़ा दी। एक ही शक्ल के दो बेटे अजान और अफान, सबके लाडले, सबके राज दुलारे। सीनियर एग्जाम से फारिग हुई थी जब उसका दादी जान के यहाँ जाने का इरादा बना। मैं इन दोनों के बगैर कैसे रहूंगी? वो सोए हुए अजान और अफान की तरफ देखते हुए बेचारगी से बोली तो अरूबा ने उसे खुरका। दादी जान ने इतने प्यार से कहा है, और वैसे भी असद ने स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन चले जाना है, एक अच्छी सी मुलाकात ही हो जाएगी। यहाँ आते हैं तो सब में ठीक से बात नहीं होती। वो ठीक कह रही थी, फोन पर भी वो जैसी ताबेदाराना गुफ्तगू करती थी असद बेचारा सर पे हाथ फेर के रह जाता। कासिम खुद उसे पिंडी छोड़ के आया था। निमरा और अहमद उसे देख के बेहद खुश हुए। वो दादी जान से लिपट गए और चची जान को तो वो वैसे भी बहुत अजीज हो गई थी। सबका ढेरों प्यार वसूल करने के बाद वो निमरा के साथ कमरे में आ गई। थोड़ा आराम कर लो, फिर खूब गप्पे लगाएंगे, और तुम्हारी आमद वैसे भी भाई के लिए सरप्राइज है, निमरा मजे से बोली। मैंने भी नहीं बताया उन्हें। किसी अलूही एहसास के तहत उसकी रंगत लाल पड़ गई। वो तो फोन पर ही उसकी आवाज सुन के गंग हो जाती थी, अब यूँ आमने सामने जाने क्या हाल होता। मैं लेटूंगी नहीं, बस फ्रेश होके आ रही हूँ दादी जान के पास। बाथरूम के जाने पड़ते हुए जीनिया ने कहा तो वो मुस्कुराती हुई उसके इंतजार में बेड पे दराज हो गई। उस कमरे में वो निमरा के साथ ही रहने वाली थी। कासिम तो शाम को वापसी के लिए निकल गया, असद से उसकी मुलाकात ना हो पाई थी। बस उनकी जॉब ही ऐसी है। हाँ बताया था उन्होंने, हफ्ते में दो दिन वो सरकारी अस्पताल में मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। सीनिया मुस्कुराई। हाँ अगर क्लिनिक पे होते तो कासिम जाते हुए मिल लेता, मगर फिर सस्पेंस बाकी न रहता। निमरा को सूरत हाल सोच के मजा आ रहा था। रात देर तक सब बातें करते रहे। निमरा के साथ उसने पूरा घर देखा। यहाँ उसका बचपन गुजरा था और वो सालों बाद दोबारा आई थी। लगता है कोई इमरजेंसी हो गई होगी, वरना तो जल्दी ही आ जाते हैं, निमरा ने उसे बताया। मेरे ख्याल में उन्हें फोन कर देना चाहिए, अहमद ने मशवरा दिया। तुम अपना ख्याल अपने पास ही रखो, सरप्राइज भी कोई शय होता है, निमरा ने उसका ख्याल यकसर रद्द कर दिया था। चलो बच्चों जी, जागो फिर और गेट खोलती रहना, मैं तो चला सोने। वो बेदीद बना ये गया और वो गया। लो आज भी गेट मैं ही खोलूंगी भला, निमरा हंसी। तो सीनिया ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम? वो इत्मीनान से बोली। ना मैं नहीं, वो घबरा गई, ऐसे अचानक मैं उनसे नहीं मिल सकती। तो आराम से मिल लेना, इतनी जल्दी काहे की है, निमरा को उसकी बात ने खूब ही हंसाया। तो वो खिसे आ गई। मेरा मतलब है कि मैं सुबह हाय हेलो कर लूंगी उनसे। बुरी बात, उनकी मासूम से खुशी ना छीनो जो तुम्हें यूं अचानक सामने पाकर उन्हें मिलने वाली है, जालिम लड़की। और वाकई वो मुंह सर लपेट के खुद तो सो गई, और असद का इंतजार करने को नींद भरी आंखें लिए सफर की थकान से चूर वो बैठी रही। कहीं 12 बजे जाके डोरबेल सुनाई दी तो उसने शुक्र का कलमा पढ़ा, मगर वहीं एक झिझक कदमों को रोक रही थी। निमरा को झंझोड़ा, सब क्या सोचेंगे कि आते ही। दूसरी बार डोरबेल काफी वक्फे के बाद बजी तो वो जल्दी से भागी। गेट खोलने तक उसकी धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। गेट खोलते ही वो फिलफाव पलट गई, इसलिए वो जान नहीं पाया था कि गेट निमरा ने नहीं खोला इतनी देर। और मैंने कहा भी था कि अहमद से कहना गेट खोलने को। वो अंदर दाखिल होकर छोटा गेट बंद करते हुए तादीबी अंदाज में बोला। अब वो उसकी बात का क्या जवाब देती। निम्मो? वो लंबे डुक भरता उसके हम कदम हुआ तो वो सुस्त पड़ने लगी। तब असद को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, ये सरापा और पोनी में जकड़े कमर तक आते स्याह बाल। वो एकदम से उसके सामने आ गया। सीनिया इस ख्याल में नहीं थी, उससे टकरा ही गई, मगर उधर कौन सा ऐसा एहसास था। बेख्तियार ही असद ने उसको शानों से थामा। सैनी, आई डोंट बिलीव दिस, ये तुम हो? वो बेहद हैरान था। सीनिया का चेहरा तमतमा उठा। असद के अंदाज में महसूस कुन बेख्तियारानापन था। मैं दोपहर को आई थी, वो मिनमिनाई। मुझे क्यों नहीं बताया? अगर कोई अटैक हो जाता मुझे तो? वो उसे हल्का सा झटका देकर बोला तो होठों पर मुस्कुराहट थी। सीनिया कसमसाकर पीछे हटी। मुझे नींद आ रही है, मैंने जरा भी रेस्ट नहीं किया। फाउल, सलाम तक नहीं किया तुमने। अस्सलाम वालेकुम, वो खफीफ से होकर बोली। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, मिलोगी नहीं? वो अब शरारत पर उतरा था। सीनिया का दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा। वो भागने के से अंदाज में अंदर की तरफ बढ़ी थी। पीछे उभरने वाला असद का कहकहा उसे ठीक सुनाई दिया था। उसे भी हंसी आ गई। इतने
इतने अच्छे चौकीदार रखने शुरू कर दिए हैं तुम लोगों ने कि मैं आइंदा भी गेट की डुप्लीकेट चाबी घर भूल के जाना पसंद करूंगा। निम्रा सुबह का नाश्ता बना रही थी। सीनिया को लाख चचीजान ने मना किया मगर वो भी निम्रा का हाथ बटाने खड़ी हो गई। सबसे पहली किचन में एंट्री असद की थी। वो निम्रा से कह रहा था मगर निगाह अंडे फेंकती सीनिया पर थी। रॉयल ब्लू कलर में उसकी रंगत दमक रही थी और कुछ असद के आमद का एजाज। ऊपर से उसकी गुफ्तगु, मुंह धो रखिए भाईजान, ये बहुत महंगे वाला चौकीदार है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। निम्रा ने हंसते हुए कहा, अपना पैकेज बताओ, मैं हर कीमत पर तैयार हूँ। वो किचन कैबिनेट के मार्बल टॉप पर चढ़ बैठा। सीनिया ने नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डाला तो कुछ ज्यादा ही चला गया। डॉक्टरी नुक्ता नजर से इतना ऑयल सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। असद की निगाह उसी पर थी। सीनिया ने बेबसी से उसे देखा। वो भवें उचका कर मुस्कुरा दिया, आप यहाँ से जाएंगे तो ही नाश्ता बनेगा। वो साफ गोई से बोली तो निम्रा कहा लगा बैठी, हाँ ना, ये अजीब अजीब बातें करते रहेंगे तो मुझसे भी उल्टा सीधा काम ही होगा। वो कुछ उलझ कर बोली थी, मेरे ख्याल में तो आपने सुन ही लिया होगा। निम्रा ने शरारत से भाई को देखा, हाँ जी बहुत अच्छे से, उसने गहरी सांस भरी। निम्रा ने दादी जान के नाश्ते की ट्रे उठाई और मुस्कुराते हुए किचन से निकल गई। इतनी देर में जीनिया फ्राइंग पैन में से जायद ऑयल निकाल चुकी थी। सफर कैसा गुजरा था? असद ने गुफ्तगू का आगाज किया, ठीक बस ठीक। कोई खुशी नहीं थी आके मुझसे मिलने की? कोई दिल की धड़कन वड़कन एबनॉर्मल नहीं हुई? वो कदरे खफकी से पूछने लगा तो जीनिया को बेसाख्ता हंसी आ गई। या तो आप डाइजेस्ट पढ़ते हैं या फिर फिल्में बहुत देखते हैं। उसने अंडों का आमेजा फ्राइंग पैन में उलट दिया और अब चमचे से उसे फैला रही थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ? वो जैसे बहुत बेयकीनी से पूछ रहा था। आप भी ऑमलेट खाएंगे या आपको फ्राई कर दूं? सीनिया ने अपनी तरफ से बहुत होशियारी से बात पलटी, शाबाश, आते ही मुझे फ्राई कर दो। वो कुछ इस तरह से बिदक कर बोला कि किचन में दाखिल होती निम्रा की हंसी छूट गई। सीनिया खजल हुई, मेरा मतलब अंडे से था, फ्राई एग। अब बंदा इससे पूछे अंडों से मतलब रखने का क्या मतलब? इंसान थोड़े पड़ गए हैं क्या? वो खफा खफा सा निम्रा से मुखातिब था। आप दोनों डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्या? निम्रा को अभी भी हंसी आ रही थी। मैं तो कर रहा था, यह आगे से पूछ रही है कि मेरे हाथ का बना ऑमलेट खाना है या आपको फ्राई कर दूं? यानी एक अदद ऑमलेट ना खाने के पादाश में ये जालिम लड़की मुझे रोस्ट करने को तैयार है? वो निम्रा से शिकायत कर रहा था। इन तीनों बहन भाइयों का यही स्टाइल था, बेतकल्लुफ सा, मगर सीनिया के लिए ये सब नया था। उसे असद के मजाक और संजीदगी में फर्क करना मुश्किल था। मैंने ये तो नहीं कहा, वो एहतजाजन बोली। अच्छा, मेरे ख्याल में तो यही कहा था कि खाते हैं ऑमलेट या फिर करूं आपको फ्राई। वो मजे ले रहा था। सीनिया रुहांसी होने लगी, मगर मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा मतलब सिर्फ अंडे तक था, बड़ी मतलबी हो तुम, वो शिकायती अंदाज में बोला। तो लम्हा भर उसे देखने के बाद वो तेजी से किचन से निकल गई। ओह गॉड, निम्रा के मुंह से बेसाख्ता निकला। असद भी कूद कर नीचे उतरा, वो पड़पड़ाया था, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। निम्रा ने खफकी से कहा, कर दिया नाराज उसे, लड़कियों का पता भी है आसानी से नहीं मानती। खैर लड़कियों का तो नहीं, तुम्हारा ही पता है मुझे, सिर्फ खर्चे से मानती हो तुम, वो साफ कोई से कह रहा था। मुझ पे तो सिर्फ चॉकलेट्स और आइसक्रीम खर्च होती थी, इधर देखिए क्या क्या खर्च होता है, वो मजे से बोली तो गहरी सांस भरता वो किचन से निकल आया। जीनिया दादीजान के कमरे में फिर मिली। उसे देख के भी यूं जाहिर किया जैसे देखा ही ना हो। दादीजान आपने नाश्ता कर लिया? वो उनके नाश्ते की ट्रे में रखे खाली बर्तनों का जायजा लेते हुए पूछने लगा। हाँ मेरे चांद, फजर की जागी होती हूँ तो सुबह सवेरे ही नाश्ते की तलब होने लगती है, वो बोली। खुशकिस्मत है आप जो किसी ने आपको नाश्ता करवा दिया, वो गहरी सांस भरता उनके बिस्तर पर टिक गया। उनके बाएं तरफ सीनिया थी, उनकी तस्बीह के दाने गिनती। क्या मतलब है, तुमने नाश्ता नहीं किया अभी तक? वो चौंकी। मसला है ना जरा सा, अकेली निम्रा क्या क्या देखे, बेचारी कभी तोस सेंक रही है, कभी पराठे और कभी ऑमलेट, सबके फारिग होते ही मेरी बारी आएगी, आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, वो बड़ी मासूमियत से कह रहा था। सीनिया कॉन्शियस सी हो बैठी, साफ उस पर काम चोरी का इल्जाम धरा जा रहा था। निम्मो कह रही थी सीनिया ने मिलके नाश्ता बनाया है उसके साथ। दादी जान बाखबर थी, मेरा तो नहीं बनाया, जिसका बनाया हो उसे पता हो, वो फौरन मुकर गया। क्यों जैनी, ठीक कह रहा है ये? दादी जान ने पूछा तो थक कर उसने तस्बीह रख दी। मैं तो बना ही रही थी मगर इनका शायद नाश्ते का मूड ही नहीं था।
क्यों जैनी, ठीक कह रहा है ये? दादीजान ने पूछा तो थक कर उसने तस्वीर रख दी। मैं तो बना ही रही थी, मगर इनका शायद नाश्ते का मूड ही नहीं था, तंग करके मुझे किचन से ही निकाल दिया। साफ कोई की हद थी। असद ने मुस्कुराहट दबाई, मगर वो देख चुकी थी। खफकी से मुंह फेरा। बुरी बात है असद, मेहमान को तंग करने से गुनाह मिलता है। दादी जान मुस्कुराई, प्यारी दादी मैं इसे मेहमान कब समझता हूँ, मकीन हरीम दिलो जहाँ है ये तो। वो रवानी से बोला तो दादी जान इतनी शस्ता उर्दू में अटकी जबकि जीनिया की रंगत पल भर में लाल पड़ी थी। चलो जो भी है अब दोस्ती करो, और खबरदार जो आइंदा कभी उसे तंग किया हो तो। दादी जान ने मामला निपटाना चाहा। बस अच्छा, असद कोया तैयार ही बैठा था, फौरन दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। दोस्ती, मगर जीनिया सटपटा गई। देख लें आपकी पोती में ही इतनी अकड़ है, अल्लाह ने शक्ल थोड़ी ज्यादा ही अच्छी दे दी है, शायद उसी का गुरूर है। वो शिकायतन कह भी रहा था तो क्या, वो हाथ बढ़ाने की हिम्मत करती भी तो कैसे। ना ना, मेरी बेटी बहुत नेक सीरत है, सादा तबीयत वाली, गुरूर और तनफर से पाक। दादी जान को तो वो वैसे भी बहुत प्यारी थी। फौरन उसका फिलपदी कसीदा पढ़ दिया तो असद ने मायूसी से अपना पढ़ा हुआ हाथ हिलाया। अच्छा, मेरा तजर्बा तो कुछ और ही कहता है। उसकी शक्ल देख के जीनिया का जी चाहा हाथ मिला ही ले, मगर उसकी जबान जो फुलझड़ियां छोड़ती थी उससे कुछ बईद ना था कि क्या कह डालती। असद ने हाथ खींचा और उठ खड़ा हुआ। उधार रहा, एक नजर उसे देखते हुए वो नाश्ता करने का कहकर कमरे से निकल गया तो जीनिया को अफसोस हुआ। जल्दी से तैयार हो जाओ, भाईजान लेके जा रहे हैं। निमरा शाम को बड़ी पुरजोश सी कमरे में दाखिल हुई थी। खैरियत, लंदन ले जा रहे हैं या पेरिस? वो डाइजेस्ट के सफात पलटती ठिठकी। ओफो, भाईजान का कहीं तफरी के लिए ले जाना लंदन पेरिस ले जाने के बराबर ही समझो डियर। महीनों बाद हाथ आते हैं, आज तो सिर्फ तुम्हारे तुफैल। वो अलमारी में सर घुसाए खुशदिली से कह रही थी। सीनिया का दिल बहुत तरंग में धड़का। डाइजेस्ट परे रख के वो तकिया ठीक करती लेट गई। निमरा अपने कपड़े निकाल के पलटी तो उसे यूं इत्मीनान से लेटे देखकर हैरान हुई। क्या हुआ, उठो ना, आज दोपहर में भी नहीं लेटी, अभी बहुत जोरों की नींद आ रही है। वो जान बूझ कर कसलमंदी से बोली। कम ऑन जैनी, पैदल नहीं जाना, गाड़ी पे जा रहे हैं, निमरा ने उसे पुचकारा। मूड नहीं हो रहा, वो करवट बदल गई तो उसने हर पास आजमाया। भाई जान को खफा करोगी? सीनिया के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। मेरे जाने ना जाने से भला क्या फर्क पड़ा है, तुम जाओ ना साथ अहमद को ले जाओ। वो भी जा रहा है, बल्कि सिर्फ हम चारों जा रहे थे। जा रहे थे नहीं, बल्कि जा रहे हैं। जाओ तैयार हो जाओ, सीनिया ने उसे तसल्ली दी तो वो जल कर बोली। लग तो नहीं रहा तुम प्रोग्राम खराब करवाओगी, उठो जल्दी से। ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मतलब मेरे सर में, उसने निकम्मे से बहाने बनाए तो निमरा शाह ने उचकाती कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में घुस गई। तुम देखना अभी पता चलेगा भाईजान को तो वो हमें भी घर ही छोड़ के जाएंगे, बहुत पिटोगी तुम हमसे। निमरा उसे डरा रही थी। अब इतनी भी अहम नहीं हो तुम्हारे भाईजान के लिए कि मेरे लिए वो अपना मूड और अपनी तफरी तबाह करते फिरे। बालों को एहतियात से कैचर में समेटते हुए वो मगन सी थी। दरवाजा खोल के अंदर आते असद को देख नहीं पाई। चलो भाई, अभी तुम्हारी तैयारी ही खत्म नहीं हो रही, रात पड़ जाएगी। भाई जान, ये जैनी नहीं जा रही, इमरा ने पोल खोल ही दी। तुम तैयार हो ना, चल के गाड़ी में बैठो, वो सरसरी अंदाज में निमरा से बोला तो उसने मुंह लटकाया। और जैनी, उसके हाथ में या शायद सर में दर्द है, तुम्हारे तो नहीं है ना? चलो तुम्हें फौरन निकलना है, वो कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा तो निमरा को भी भागना पड़ा। सीनिया का दिल मायूसी से भर गया। लो जी, ये हैं मंगेतर साहब, कौन सा दिल और कहाँ की दिलदारियाँ। दरवाजा खोल के निमरा को बाहर निकाला और दरवाजा बंद करके वो वापस पलट आया। हाँ जी, क्या मसला है आपको? एन उसके सामने खड़े होते हुए असद ने पूछा तो वो चौंक कर हाल में पलटी। जी ठीक हूँ, सटपटा कर कहा। तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने कहा था कि बाहर जाना है, वो मैं पे जोर देते हुए बोला तो जीनिया ने शाने उचकाए। बस यूं ही दिल नहीं जा रहा था, मेरे साथ पहली बार कहीं जा रही थी और तुम्हारा दिल नहीं जा रहा था, उसने गोया तस्दीक चाही। जीनिया धक से रह गई। मैंने ये तो नहीं कहा, जल्दी से कहा, मुबादा कुछ गलत फहमी ना पनप जाए। ओके, यानी दिल जा रहा था, फिर तैयार क्यों नहीं हुई? वो मुस्कुराया। उसकी होशियारी पर जीनिया ने खफी से उसे देखा। वो इतना जबरदस्त था कि उसकी एक भी चलने नहीं देता था, ऐसे मर्द की भी अपनी ही एक शान हुआ करती है।
वो सलवार कमीज बहुत कम पहनता था, ज्यादातर पैंट शर्ट इस्तेमाल करता था, मगर अभी वो नेवी ब्लू कुर्ता सलवार में मलबूस बहुत आम से हुलिये में भी शानदार लग रहा था, बल्कि बहुत खास। धड़कन का अंदाज बदला तो जीनिया की निगाह दिल की बेईमानी पर झुक गई। मेरी तबीयत, हाथ में दर्द था, वो हकलाई। असद ने निकाह भर के उसके सुर्ख पड़ते रुखसारों को देखा और उसका हाथ थाम लिया। इस हाथ में नहीं, इस हाथ में। सीनिया ने फिल फौर दाहिना हाथ लहराया ताकि वो दूसरा हाथ छोड़ दे, मगर उधर ऐसा कोई इरादा न था। उसने उसका दायां हाथ भी थाम लिया। इतनी नाजुक सी तो हो, सुबह पराठे बनाते हुए कुछ हुआ होगा या फिर अंडे फेंटते हुए। वो शरारत से कहते हुए उसके करीब हुआ। वो बुरा जरूर मानती अगर दिल की धड़कनें काबू में होती। असद ने उसके हाथ को खफीफ सा लबों से छुआ। खुदा करे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए, वो धीमे लहजे में बोला। तो वो हकदक सी खड़ी रह गई। और कहां दर्द था? सर में। उसकी सांसें जीनिया ने अपनी सर पड़ती पेशानी पर महसूस की थी। वो तेजी से अपना हाथ छुड़ाती पलट गई। उससे निगाह मिलाने का यारा ही ना रहा था। आप जाएं तुम्हारे बगैर नामुमकिन, लाखों बार की देखी जगह है, बहाना तो सिर्फ तुम हो यार। असद ने आगे बढ़ के उसके शानों से थामा और मोहब्बत से बोला। सीनिया के वजूद में खुशी और सरमस्ती की लहर सी दौड़ गई। वो महबूब और शानदार सा शख्स उसे इतना खास समझता था। तुम साथ होगी तो हर चीज का नया रंग और हर रंग का नया अंदाज होगा जैनी, उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए वो बहुत चाहत से कह रहा था। सीनिया की निगाह उसकी निगाह की शिद्दत से चुकने लगी। और इससे पहले कि मैं कुछ और रोमांटिक होने लगूं, तुम तैयार हो जाओ प्लीज, वो यूं लजाजत से बोला कि जीनिया को न सिर्फ हंसी आ गई बल्कि बहुत सारा एतमाद भी अपने वजूद में सराहियत करता महसूस हुआ। ओके, वो दांतों तले लब दबा के बोली। अच्छा, असद ने हाथ थाम के रोका तो वो ठिटकी। पिंक कलर बहुत उठता है तुम पे, वो मुस्कुरा रहा था। गेट आउट, वो महजूब सी होकर कहती अलमारी की तरफ बढ़ी तो वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। और फिर एक लंबे अरसे और बहुत सी बदमस्कियों के बाद उरूबा को किचन में हांडी पकाने की इजाजत तो मिल गई, मगर आफिया बेगम की कड़ी निगरानी में उरूबा सर थाम के रह गई। क्या दर्द सर मोल ले लिया था उसने भी। ससुराल में कुछ पकाने का शौक जैसे मर ही गया। अब तो वो पकाते हुए भी या अल्लाह ठीक पक जाने की दुआएं मांगती रहती थी। आफिया बेगम के एतराजात बेशुमार थे। काउंटर पर खड़े हो के आटा गूंदने पर एतराज, ये अच्छी रही, हम तो दो दो घंटे आटा गूंदते रहते थे, इधर अच्छा मजाक है। आटा ढीला सा भिगो के रखा, आधे घंटे के बाद दो चार हाथ मार के फारिग, हम तो जमीन पर पीढ़ी पर बैठ के आटा गूंदते थे। मतलब तो आटा गूंदने से है, और फिर रोटी तो ठीक बनती है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है, अरूबा ने तहम्मुल से कहा था, मगर ये मसला आए दिन वो खाने की मेज पे छेड़ती। हांडी को कितना भूनना है ये आफिया बेगम बताती, कितना पानी डालना है उसका हिसाब उन्होंने एक मग के साथ रखा हुआ था। वो हर खाने के साथ पानी के मगों का हिसाब रखती, हलकान होती रहती, नतीजतन कोई सब्जी सही बनती तो कोई बैठ जाती। ये है कुकिंग तुम्हारी, आसिम मजाक उड़ाता तो वो सुलगती। डंडा लेके सर पर खड़े होकर काम कराने और फ्री हैंड देने में बहुत फर्क होता है, मैं उनके जहन से तो खाना नहीं पका सकती ना, तो खुद से पकाओ, वो तो सिर्फ तरीका बताती है ना, वो कहता। उनके तरीके से खुद से कैसे पका सकती हूँ? अब वो तो बता के हट जाती हैं कि इसमें चार मग पानी के डाल दो। अब इतने पानी के साथ सब्जी को गलाना, पानी सुखाना और फिर उसे भूनना, इतनी देर में सब्जी की जान निकल जाती है। हमने तो कभी सब्जी में पानी डाल के नहीं गलाया, दम पे पका के फिर हल्का सा भून लो बस। वो तंग आ गई थी। आफिया बेगम और उसके दरमियान गैर मामूली सा खिंचाव डर आया था। उसका कोई काम करने को जी नहीं चाहता था। जब उसकी हौसला अफजाई करने की बजाय वो सबको सुनाती, खाना तो बनाती थी मैं, मगर अब तो जो सामने आ गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरूबा को उनका ये नाशुक्रापन बहुत खलता। उसका शिद्दत से जी चाहता कि वो भी कोई बदमिजाज और सड़ियल सी बहू होती तो फिर आफिया बेगम को पता चलता जो उसके सामने साफ लफ्जों में कहती थी, बेटी तो बेटी होती है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो जहाँ ये अल्फाज बहू के मुँह पे कहे जाए तो उसके जहन में सास का तस्वुर माँ का सा हो सकता है। एक लड़की जो अपने घर के साथ साथ अपने खूनी रिश्तों को छोड़कर आपकी नस्ल के अमीन बन के आपके घर आती है, उसके हौसले का अंदाजा कीजिए। अपनी माँ के अलावा किसी और को माँ कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अरूबा को याद था शादी के अवलीन दिनों में एक दफा आफिया बेगम के सामने आसिम ने अरूबा की अम्मी को अम्मी कहकर बुलाया था तो आफिया बेगम को तो जैसे आग ही लग गई थी।
तुम्हारी अपनी माँ नहीं है क्या? हद हो गई, 100 रिश्ते हैं बुलाने के लिए, सास को अम्मी कहोगे आप? वो दिन और आज का दिन, आज से उसके अम्मी को आंटी कहकर ही मुखातिब करता था, या फिर तुम्हारी अम्मी। और अगर ये हरकत बहू करे तो? जी, हमें माँ नहीं समझती, ये ही कहा जाता है। बहरहाल छोटी छोटी कई बातों को आफिया बेगम की बदमिजाजी और डिक्टेटराना तबीयत बहुत बड़ा बनाए हुए थी। वो जो एक वलवले और नई सोचों के साथ ससुराल में आई थी, दिल महसूस कर रह गई। दूसरे वो छोटी से छोटी बात फोन पर अपनी बड़ी बेटी फारिया से शेयर करने की आदी थी। सुबह से लेकर शाम तक के तमाम मामूलात की रिपोर्ट और साथ साथ अपने ख्यालात और तज्जियों से बताती और ये तमाम बातें बबांग दहल करती। बहू सुनती कुटती उनकी बला से, मगर वो कतन नहीं सोचती थी कि इस तर्ज अमल से वो अपनी इज्जत बढ़ा नहीं बल्कि घटा रही थी। अरुबा को बजाहिर इस कदर पॉलिश्ड और मुतबर दिखाई देने वाली आफिया बेगम का ये रूप बहुत नाकाबले बर्दाश्त लगता था। वो बेवक्त घर आया था, गेट की चाबी उसके पास ही हुआ करती थी। निम्रा और अहमर भी अभी नहीं लौटे थे। चची जान और दादी जान निम्रा के लिए आए किसी प्रपोजल पर गौर फिक्र कर रही थी। सीनिया रोटियां बनाने के लिए किचन में आई थी। असद सीधा वहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, उसकी धड़कन इस अचानक सलामती पर तेज हो गई। तेजी से पलटी तो असद को सामने पाकर हैरान हुई। आप इस वक्त? ये सलाम का नया जवाब है क्या? वो भमे उचका कर पूछने लगा। सीनिया खफीफ सी हुई। वालेकुम अस्सलाम, अम्मी किधर हैं? दादी जान के कमरे में हैं। वो फ्रिज में से आटे का बाउल निकालने लगी। एक कप चाय मिलेगी? वो पूछ रहा था। हाँ जरूर, मगर पहले खाना तो खा लें, मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, सीनिया ने कहा। सर में सख्त दर्द है पार्टनर, एक कप चाय और एक पुरसकून नींद की सख्त जरूरत है। सीनिया ने देखा उसकी आंखों में हल्की सी सुर्खी थी, जरा जरा बढ़ी हुई शेव। वो वाकई थका हुआ लग रहा था। 3 दिन पहले होने वाले बम ब्लास्ट के जख्मियों से अस्पताल भरा पड़ा था। वो क्लिनिक से ज्यादा अस्पताल में ही पाया जाता था। थोड़ी नींद और ज्यादा काम ने असर दिखा ही दिया था। ओके, मैं लाती हूँ, सीनिया ने सर हिलाया और सॉस पैन में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो दादी जान के कमरे में गया, फिर उनसे मिलकर अपने कमरे की तरफ पड़ गया। चची जान मुतफक्के से किचन में चली आई। कहा भी है यूं दीवानों की तरह काम मत किया करो, मगर ये लड़का सुने तो ना, अब रात को क्लिनिक पे चला जाएगा, वो शिकायती अंदाज में कह रही थी। अजहर के लिए चाय बना रही हो? खाली चाय मत देना, साथ में बिस्किट ले जाओ, खाने पीने का होश नहीं है उसे। उन्होंने कैबिनेट में से बिस्किट का हाफ रोल निकालकर प्लेट में बिस्किट रखे और खुद तवे के नीचे आग चलाने लगी। मैं रोटियां बना लूंगी चची जान, सीनिया ने कहा तो वो बोली, तुम चाय बना के दो उसे, 2-4 फुलके डालने हैं, मैं डाल दूंगी। वो मग में चाय डाल के बिस्किट की प्लेट ट्रे में रखने लगी। हल्का सा दरवाजा खटखटा कर अंदर दाखिल हुई तो नीम अंधेरे कमरे में वो बेड पर औंधे मुंह आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। उसने हाथ मारकर लाइट ऑन की तो वो चौंक कर पलटा, फिर उठकर बैठ गया। सीनिया ने ट्रे उसके सामने रखी। सिर्फ चाय कहा था, वो बिस्किट की प्लेट देख कर बोला, खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए। मैं सिर्फ एक टेबलेट लूंगा, उसने कहा था, उसके लिए भी कुछ खाना जरूरी है, वो इत्मीनान से बोली। असद ने निकाह भर के उसे देखा। पिंक और फिरोजी रंग के लिबास में वो अच्छी लग रही थी। उसका खुद से लापरवाह और सादा सा अंदाज उसके रूप को मजीद दिलकश बनाता था। खैर जरूरी तो नहीं, और भी बहुत से तरीके हैं सर दर्द को भगाने के, मैंने बताया तो था एक तरीका, वो शरारत से बोला तो उसकी रंगत तप उठी। मैं चलती हूँ, निम्रा आने वाली है, रोटियां बनानी है। कमॉन यार, बैठो तो, पहली बार मेरे कमरे में आई हो, वो जल्दी से बोला। नहीं, आप अजीब सी बातें करते हैं, वो साफ कोई से कहती असद को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। अच्छा नहीं करूंगा, प्रॉमिस, उसने वादा किया था और जीनिया उसके सामने बैठ गई। उस रोज चाय पीते हुए असद ने उससे ढेरों बातें की थी, उसकी पसंद और नापसंद, उसके ख्यालात, उसकी दिलचस्पियां, और जीनिया ने भी उसे करीब से जाना कि वो कितना प्यारा शख्स था, और सबसे बढ़कर ये कि वो जीनिया को पसंद करने लगा था। मैंने तो दादी जान के कहने पर हाँ कर दी थी बस, लेकिन अब मैं अपने इस फैसले से बहुत खुश हूँ, उसने छुपाया नहीं था, और उसके इस बरमला एतराफ ने सीनिया की रूह तक को शांत कर दिया। फिर वो उठकर अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ा, वापस आया तो उसकी मुट्ठी में कुछ था। वो सीनिया के पास आ बैठा। ये तुम्हारे लिए, उसने चुटकी में पकड़कर सोने का नफीस सा ब्रेसलेट लहराया। सीनिया ने नफी में सर हिलाया। खबरदार, किसी बहुत अच्छे मौके पर देने का सोचा था और किस्मत ने आज इतना हसीन मौका दे दिया, उसका हाथ थामते हुए वो कह रहा था। अच्छा नहीं लगता ऐसे बेवजह का गिफ्ट, वो हिचकिचाई। मंगनी हो चुकी है हमारी, बेवजह का क्यों,
वो लापरवाही से कहते उसकी कलाई में ब्रेसलेट पहनाकर लॉक कर रहा था। फिर भी वो लापरवाही से कहते उसकी कलाई में ब्रेसलेट पहनाकर लॉक लगा रहा था। फिर भी वो शर्मिंदा हो रही थी इतना कीमती गिफ्ट लेकर। तो चलो जवाब में तुम भी कोई गिफ्ट दे दो, वो उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए मुस्कुराकर बोला। तो वो गड़बड़ाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जरूरी तो नहीं पैसों की कोई चीज हो, एक अच्छी सी याद, कोई रोमांटिक सी याद, वो कहते हुए शरारत से उसकी तरफ झुका तो वो तेजी से उठ गई। असद ने फुर्ती से उसका हाथ थामा था। रुको तो, बहुत बातें हो गई, अब बस, वो कतईयत से बोली तो वो भी उसके मुकाबले खड़ा हो गया। लगता तो नहीं कि आपके सर में दर्द है, सीनिया के तंस ने उसे हंसा दिया। ये तो तुम्हारे कुर्ब का एजाज है मेरी शरीके हमसफर, मुझे हर दुख हर दर्द भूल गया है। ए मेरी हमनफस, जिंदगी के सफर में तुम मेरे हम कदम हो, ये एहसास ही मुझे हर दर्द से बेखबर करने को काफी है, वो बेहद जज्बाती और शिद्दत आमेज लहजे में कह रहा था। सीनिया जैसे पिघल पिघल गई, जाने क्यों उसकी आंख भर आई थी। उसके लबों से एक सिसकी उभरी और आंख से आंसू का कतरा उसके हाथ पे टपका। वो चौंक कर जैसे हाल में लौटी थी। असद, उसका नाम फिर से सिसकी की सूरत उसके लबों से आजाद हुआ था। मेरी जिंदगी किस दर्द से भर गई है, क्या इससे तुम वाकिफ नहीं हो? अब तुम्हारा दिल तुम्हें कोई सिग्नल नहीं दे रहा कि मुझ पे क्या बीतने वाली है? उसने बाएं कलाई से लिपटे उस खूबसूरत से ब्रेसलेट को देखा और फूट फूट के रो दी। आफिया बेगम के मना करने के बावजूद अरूबा ने जिस तरह किचन संभाला था उसने उनके दिल में गुस्सा भर दिया था। एक बेवजह का गुस्सा और मुकाबला। उरूसा एक सालन उनके अंदाज और मर्जी का पकाती तो दूसरा यकीनन अपनी मर्जी और पसंद से बनाती। दरअसल मुझे टिंडे गोश्त पसंद नहीं, मैंने अपने लिए चने की दाल डाली है गोश्त में, वो आराम से कहती। और जब सभी टिंडों से ज्यादा दाल गोश्त शौक से खाते तो उनका दिल जहर से भर जाता। वो उन औरतों में से थीं जो अपनी शहंशाही आसानी से छोड़ने पर आमादा नहीं होती। अपनी मनमर्जी करने को ही तो वो अलग हुई थी, ऐसे कैसे सब कुछ अरूबा के हवाले करके पलंग पे बैठ जाती। और अना की इस लड़ाई में उन्होंने ये भी ना सोचा था कि मिलजुल कर ज्यादा अच्छे तरीके से घर संभाला जा सकता है। उनके इस शदीद तर्ज अमल ने अरूबा के अंदर भी जिद पैदा कर दी थी। जरा जरा सी बात पर वो उसकी माँ और उसकी तरबियत पर जा पहुँचती, वो भी हर बात आसिम को मनोअन बताती। ये शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ हर बात से आपको बाखबर रखना चाहती हूँ। कल को आप ये नहीं कहें कि मेरे इल्म में तो कोई बात ही नहीं, साथ ही वजाहत भी करती, मगर रोजाना ही किसी न किसी बात पर बदमस्की होती रहती। अब आफिया बेगम ने तरीका ये अपनाया कि हर काम ही अरूबा पर छोड़ दिया। छोटे छोटे दो बच्चे संभालने के साथ साथ सब्जी बनाने से लेकर बर्तन धोने तक वो बौखला कर रह गई। सीनिया को उन्होंने पढ़ाई तक महदूद कर दिया था, सारी उम्र पड़ी है इन कामों के लिए, वो आराम से कहती। और फिर ये छोटे छोटे बादो बारा एक बड़े तूफान की शक्ल अख्तियार कर गए और किसी को पता भी नहीं चला। ये उन दिनों की बात थी जब सीनिया दादी जान से मिलने गई हुई थी। बुखार की वजह से अरूबा में काम करने की सकत ना रही, मगर आफिया बेगम ने ना तो बच्चों को संभाला और ना ही हांडी की जिम्मेदारी वापस कबूल की। मजबूरन जैसे तैसे करके अरूबा ने हांडी बनाई और बच्चों को लेकर कमरे में जा पड़ी। रात खाने की मेज पर उन्होंने चुन चुन कर खाने में नुक्स निकाले। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी अम्मी, आसिम ने एक नजर झुकाए खाना खाती अरूबा को देख कर कहा तो वो चमकी। हमने भी चार बच्चे संभाले और साथ साथ घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाई, ये बहाने हमारे सामने न चलाओ। बहाने बनाने वाली क्या बात है अम्मी, मैंने आपको बताया था मुझे बुखार हो रहा है, अरूबा ने बर्दाश्त से काम लिया। तो बीबी बुखार में कौन सा फाके होते हैं, ये बैठे हैं तुम्हारे ससुर साहब, पूछ लो जो एक दिन भी नागा हुआ हो खाने का, वो बेहद तलखी से बोली तो शब्बीर अहमद को भी बोलना पड़ा। अच्छा आप खामोशी से खाना खाओ सब, क्या खाओ, ये जहर खाने के काबिल है क्या, निरा नमक, उन्होंने प्लेट परे खिसकाई और तनफर से बोली। दोपहर को मैंने चखा था, इतना तेज तो नहीं था, शायद गर्म करने से मसाला खुश्क हो गया है, अरूबा बमुश्किल बोली। मगर आफिया बेगम ने तो जैसे उसका पहला जुमला ही सुना हो, उनके तो तलवों लगी सर पर जा बिछी। हाँ हाँ तुमने तो बिल्कुल ठीक पकाया था, सुन रहे हैं आप, मतलब ये हुआ कि जब इसने पकाया तो उस वक्त नमक ठीक था और इस वक्त जब खा रहे हैं तो तेज है, यानी मैंने डाला है इसमें नमक, ये है इसकी तरबियत, हद हो गई, सही पढ़ा के भेजा है माँ ने बीबी, कर लो मगर मानो मत कि मैंने किया है। अब की बार तो आफिया बेगम ने हद ही कर दी थी। अरूबा तो जर्द पड़ती रंगत लिए छोटे बड़ों के सामने अपनी खिंचाई होती देख रही थी, मजबूरन आसिम ही को टोकना पड़ा।
अम्मी प्लीज, यहाँ बात अरूबा की हो रही है। अरे जाओ, बड़े आए उसके सगे। ऐसी तरबियत माओ ही की होती है। ससुराल में लड़की नहीं, उसकी माँ की तरबियत बोलती है, और इसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से देख चुकी हूँ। वो तजलील करने में सानी नहीं रखती थी। आप मुझसे कुछ भी कहें, मगर मेरी माँ तक न पहुँचे। अरूबा ने हिम्मत मुश्तमा की थी। देख रहे हैं आप, बहू तो बहू, अब तो बेटा भी मुंह को आने लगा है। आफिया बेगम ने फौरन ही आपदीदा होकर शब्बीर अहमद से कहा तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उठो और दफा हो जाओ, इस घर में बद तहजीबों की कोई जगह नहीं है। उनका फैसला अटल था, मगर वो भूल गए के मुकाबिल भी उन्हीं का खून था। वो भी उसी वक्त निवाला फेंक कर उठ गया। आफिया बेगम को बहुत कुछ गलत होने का एहसास तो हुआ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कासिम ने भी बात संभालने की कोशिश की, मगर दोनों में से कोई भी फरीक झुकने को तैयार न था। और सबसे बड़ी बात ये कि आफिया बेगम नीचा नहीं पड़ना चाहती थी, सो दिल पे पत्थर रख के सर मुँह लपेटे पड़ी रही। गाड़ी की आवाज आई तो कासिम ने आकर बताया कि वो लोग जा चुके हैं, तो वो दिल थाम के रह गयी। भला कहाँ जाता वो इस रात में छोटे छोटे बच्चों के साथ? 4 दिन ससुराल में रहेगा तो जमाने के जूते खाकर वापस लौटेगा। शब्बीर अहमद ने तबसरा किया और करवट बदल के लेट गए। अगली सुबह जीनिया को असद खुद छोड़ने आया। बहुत याद आओगी इस बार, मेरे ख्याल में बाहर जाने से पहले मैं तुम्हें रुख्सत करा के ले जाऊं, उसने कहा था। वो सुख चेहरा लिए उसे घूर कर रह गई थी। शाम को वो वापस हो लिया। सीनिया को कासिम के जरिए तमाम हालात का इल्म हुआ तो वो दिल थाम के रह गई। फारिया को फोन करके आसिम और रूबा का पूछा, मगर वो तमाम वाकये से लाइल्म थी, परेशान होने लगी। इधर आसिम ने 2 दिन होटल में सोच विचार में गुजारे और 3रे रोज सीधा पिंडी का रुख किया और दादी जान के पुरशफकत साय में जाकर सुख की सांस ली। मगर वो नहीं जानता था कि उसकी ये हरकत सीनिया की जिंदगी में कैसा खतरनाक मोड़ लाने वाली है। सीनिया को असद ने इन्फॉर्म किया और वो खुशी खुशी आफिया बेगम के पास आई। आसिम की तरफ से कोई इत्तला ना मिलने पर वो बहुत मलूल और अफसरदा थी, मगर अपनी हार जाहिर न करती। अम्मी, भाई का पता चल गया, वो दादी जान के पास है। सीनिया ने जैसे खुशखबरी सुनाई तो वो पहले तो उसे घूरती रही। सीनिया कंफ्यूज होने लगी। असद ने बताया है? बहुत खूब, तो दादी के साथ महाज बना के जंग लड़ेगा वो, उन्होंने कहा भी तो क्या, वही अपनी मर्जी का मतलब। और शब्बीर अहमद को भी पता नहीं किन लफ्जों में सारी रिपोर्ट दी। उन्होंने साफ लफ्जों में सीनिया और इज्जत के रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया था। जिनको हमारी इज्जत का एहसास नहीं, हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, उन्होंने फोन पर भाई से साफ लफ्जों में कहा था। हम किसी भी सूरत आसिम और भाभी को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। आप घर ले जाना चाहें तो बसत चौक, मगर वो यहाँ से निकलकर दर दर की ठोकरें खाएं, ये कभी नहीं होगा। असद ने उनका फैसला सुनकर भी साफ और मतवाजन लहजे में अपना फैसला सुनाया तो वो बल खाकर रह गए, ये सोचे बगैर के मुकाबले उनका अपना खून है। और जीनिया, उसका कौन सोचता, वो तो जैसे बेपतवार की कश्ती में सवार थी, खौफसदा और मंजिल से लाइल्म। और फिर असद ने उसे शायद आखिरी फोन किया था, ये तुम्हारी लड़ाई है जैनी, ताईजान के सामने तुम्हें उठना होगा। तुम मेरी मनकुहा नहीं हो कि अदालत में मुकदमा करके तुम्हें जीत लाऊं। तुम स्टैंड लोगी तभी कोई फैसला होगा। आसिम और अरूबा को मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, और रहा मैं तो मैं ताउमर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो उसकी कमजोर जान पर सारा बोझ डालकर मुतमईन हो गया था। और इधर वो क्या करती, दिनों में आफिया बेगम ने उसके लिए रिश्ता ढूंढकर बात तय भी कर दी, बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी का फैसला भी कर लिया। तकदीर जाने क्या रंग दिखाने वाली थी। होश के नाखून लो आफिया, रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। बेटा और बहू तो हाथ से गए ही थे, अब बेटी का घर भी उजाड़ रही हो। दादी जान ने इतने सख्त लहजे में उनसे कभी बात नहीं की थी, हत्ता के वो उनके बेटे को लेकर अलग भी हो गईं। मगर अब जब बात उनके पोते और पोती की थी तो वो यकीनन असल से सूद को प्यारा जानते हुए कमर कस के मैदान में कूदी थी। आफिया सुलग उठी, घर मैंने उजाड़ा है या आप बदला लेने पे उतरी हुई है? उनकी तेज लहजे में कही बात पर दादी जान हैरान हुई थी। मैं काहे के बदले लूंगी मैं तुमसे, किसी को भी मेरा हंसता बसता घर बर्दाश्त नहीं था। चोर तोड़ करके मेरे बेटे को तो वरगला ही लिया, मगर अपनी बेटी को बर्बाद होने नहीं दूंगी मैं। वो कहाँ की कहाँ ले गई थी। खुदा की पनाह मांगो आफिया, वो गुस्से से कांपने लगी। और जरा अपने अतवार पर भी गौर करो,
दूसरों की तरबियत में कीड़े तो फौरन दिखाई दे जाते हैं, मगर खुद को तो हमेशा बिल्कुल दुरुस्त समझती हो। लेकिन सच तो ये है कि पहले भी तुमने नाकबत अंदेशी से काम लिया और एक हंसते बसते घर को तबाह किया, और अब अपने घर के सुकून को भी तुम खुद ही तहोबाला किए दे रही हो। सीनिया का इस सारे किस्से में क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं, इसीलिए तो उसे कुर्बानी का बकरा बनाने से गुरेज कर रही हूँ, वो इत्मीनान से बोली। दादी जान को कल सा कर उन्हें बहुत सुकून मिला था। शर्म करो आफिया, रिश्ते नाते खेल नहीं होते कि जब जी चाहा खेल लिया, जब मर्जी ना हुई खेल खराब कर दिया। ये बच्चों की जिंदगियों का मामला है, 5 साल उनकी मंगनी रही है, उन्होंने खुरका था, निकाह तो नहीं था ना, और वैसे भी सैनी को खुदा के फजल से अच्छा रिश्ता मिल चुका है। वो लोग 1 माह के अंदर अंदर शादी पर जोर दे रहे हैं। वो तफाखर से कहती उन्हें दुख और तासुफ का शिकार कर गयी। असद में क्या बुराई थी बहू, इतना खूबसूरत और खूबसीरत पर सरे रोजगार है। गेहूं के साथ खून पिसने की रिवायत तो बहुत पुरानी है, वैसे भी आपसे बात करना अबस ही है, आपने मेरे मुकाबले में हमेशा ही दूसरों का साथ दिया है, वो आराम से बोली। मगर इस बार दूसरों की सफ में तुम्हारा बेटा है आफिया, सोच कर कदम उठाओ, और वो खुद मेरे पास आया है, ना कि मैंने उसे। उन्होंने नसीहत की थी, मगर कोई नसीहत चाहे भी तो, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता खत्म ही है, बाकी बातें अपने बेटे से तय कर लीजिएगा, खुदा हाफिज। आफिया बेगम ने रुखाई से बात खत्म कर दी थी। कासिम ने तो साफ इस नई मंगनी का बायकॉट कर दिया था, और जीनिया को भी इनकार के लिए डट जाने के लिए खूब उकसाया था। क्या करूं, माँ बाप के सामने आ खड़ी हूँ, वो माँ बाप खुद से जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। बगावत इसी को कहते हैं, फिलहाल जिंदगी बर्बादी की तरफ जा रही है, मुकम्मल बर्बादी से पहले सदे बाप कर लो। उसे समझाया कि जब तक वो खुद घरवालों से बात नहीं करेगी, बात में वजन नहीं आएगा, मगर आफिया बेगम और शब्बीर अहमद से इस मौसु पे बात करने और इज्जत के बगैर मर जाने के डायलॉग्स बोलने की हिम्मत तो वो मरकर भी नहीं कर सकती थी। आफिया बेगम तो उसे निकाहों ही से चीर फाड़ डालती, और रहे शब्बीर अहमद तो उन तक आफिया बेगम ने औलाद को जाने ही कब दिया था। अलबत्ता फारिया के सामने उसने ढेरों ढेर एतराज किया। देखो जैनी, अम्मी ऐसे ही तो ये फैसला नहीं कर रही, दिल दुखा है तो ही तो मुकाबले पे आई हैं। उसे पहले जुमले ही से अंदाजा हो गया कि फारिया की ब्रेन वॉशिंग आफिया बेगम अच्छी तरह कर चुकी हैं, वरना यही फारिया इज्जत से बेहद मुतासर थी, बल्कि उससे काफी दोस्ती भी थी फारिया की। जिसका दिल दुखा हो वो दूसरों का दिल न दुखाने का सोचता है, अम्मी तो मेरा भी दिल दुखाना चाहती है। सीनिया ने आंखों में आंसू भर के मुल्तजियाना नजरों से उसे देखा। तुम बेवकूफ हो, असद पूरी जिंदगी नहीं था तुम्हारी, फारिया ने उसे समझाना चाहा। वो मेरी पूरी जिंदगी है आपी, पिछले 5 वर्षों से मैं जिस शख्स को आइंदा जिंदगी में हर पल अपने साथ सोचती आई हूँ, और उसे मैं यूँ अपनी जिंदगी से माइनस नहीं कर सकती। उसके आंसू बह निकले थे। इतनी कमजोर मत बनो जैनी, जिंदगी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाती, ये बेवकूफी की वो बातें हैं जिन पर बाद में हंसी आती है। हंसी उन्हें आएगी जिनके फैसले चलेंगे, मेरे लिए तो फकत रोना ही रोना होगा आपी। वो वाकई रो दी थी। फारिया को गुस्सा आया। तुम्हें अपने दिल की अपनी जिंदगी की बहुत फिक्र है, अम्मी का सोचा है कभी आसिम के फैसले से उनके दिल पे क्या बीती है, कैसे नीचा दिखाया है उन्हें वहाँ रख के उन लोगों ने अम्मी को। मारे दुख के उसके आंसू थमने लगे। उसमें भी वो लोग गलत है आपी, वो शदीद तासुब से बोली तो अल्फाज जबान का साथ नहीं दे रहे थे। हमारा भाई, हमारा माजाया अपने छोटे छोटे बच्चों और बीवी को लेकर आधी रात को घर से निकलता है, तो उसे पनाह देने वाला हमारा दुश्मन है। उन्हें चाहिए था कि अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते, या फिर उन्हें धक्के देकर निकाल देते। फारिया संभली, मैंने ये नहीं कहा, मगर आसिम की भी गलती है, उससे किसने कहा कि ऐसा कदम उठाए और अपने साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करे। अम्मी ने कभी मफाहमत अख्तियार ही नहीं किया आपी, अरूबा भाभी तो बहू थी, मगर अम्मी ने भी कभी माँ बनके उन्हें इस घर में कबूल नहीं किया। जहाँ रिश्तों को कबूलने के बजाय महज बर्दाश्त किया जाता हो, वहाँ रिश्तों की बुनियाद फकत रेत होती है, फौलाद नहीं। वो तल्खी से हकीकत बयान कर रही थी। फारिया ने नागवारी से उसे देखा। वो भी कुछ कम नहीं करके गयी। हाँ, उनका कसूर तो बहुत बड़ा है, आराम से बैठी रहती, बिस्तर पे पका पकाया खाती रहती, वो इसी अंदाज में बोली। अब भी देख लो, बिना सोचे समझे फैसले का नतीजा, फारिया ने फिलफौर कहा था। उसे रोना आने लगा। अम्मी को मेरी जिंदगी की बर्बादी का कोई एहसास नहीं? एहसास है,
तभी तो ये कदम उठा रही हैं। जो लोग अभी उनकी इज्जत नहीं रख रहे वो बाद में क्या करेंगे। फारिया को माँ ने मुकम्मल पट्टी चढ़ाई हुई थी, उसकी अपनी तो गोया कोई सोच ही नहीं थी। इज्जत ही तो रखी है उन्होंने आपी, मगर अम्मी समझे तो ना। अगर वो दरवाजे से लौटा देते भाईजान को और उनके बीवी बच्चों को सड़कों पर रुलने देते तो इज्जत बचती आपकी। बुरन जो गम से चीख उठी तो फारिया सटपटाई, कह तो वो ठीक ही रही थी, मगर आफिया बेगम ने भी रिश्ता खत्म करने की जो वजूहात बताई थी वो गलत ना थी। अम्मी सिर्फ अपनी अना की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही और इस खेल में वो बेटा तो हार ही चुकी है, अब बेटी की जिंदगी भी दांव पर लगा रही है। वो भीगे तल्ख लहजे में बोली तो फारिया ने सर थाम लिया, मतलब वो बेबस और लाचार थी। असद का फोन आया तो वो रोती चली गई, साथ ही जो मुंह में आया वो भी कह दिया। उसने बहुत तहम्मुल के साथ सारी लानतान सुनी और उसे दिल का गुबार निकालने दिया। जब वो थमी तो रसान से बोला, अब जाओ और मुंह पे पानी का एक छींटा मार के आओ। और वाकई वो सेल फोन रख के गई और जब मुंह धो के टॉवल से खुश करके आई तो खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। कैसी हो? वो जैसे बड़े नॉर्मल हालात में गुफ्तगू कर रहा था। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने को फोन किया है आपने? वो जिस पे तप सकती थी तपी। मैंने सोचा था शायद ताईजान बदल गई हैं, मगर वाय हसरत। वो गहरी सांस भर के बोला तो जीनिया को रोना आ गया। असद प्लीज कुछ करें, अम्मी कहीं और मेरी बात तय कर चुकी हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, बताया है मुझे आसिम ने, वो तो बहुत गुस्से में है, यहाँ से जाने का कह रहा था, मगर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, कोई और ठिकाना तो है नहीं उसका। हमारा क्या होगा असद? उसकी आवाज कपकपा सी गई। देखो जैनी, आसिम का यहाँ से चले जाना मसले का हल नहीं है, जो कुछ होना था वो हो चुका। अगर वो यहाँ से चला भी जाता है तब भी ताईजान जितनी आगे जा चुकी हैं, उनकी वापसी मुश्किल है। वो बड़े मोतदल लहजे में गोया हुआ तो जिनिया सदमे से चिल्ला उठी, तो क्या करना चाहिए मुझे? उस उल्लू के पट्टे से शादी कर लेनी चाहिए जिसे उन्होंने मेरे लिए ढूंढा है। मैं ये नहीं कह रहा, असद ने कहना चाहा, मगर वो सुन कहां रही थी। वापसी तो मेरी मुश्किल कर दी है आपने असद, मैं तो इन जज्बों से अनजान थी, इन रास्तों से यकसर लायल, और अब बंद गली में लाके कहते हो रास्ता खुद तलाशो, तो क्या करूं, भगा के ले आऊं तुम्हें? वो भी कदरे गुस्से में आया था, तेज आवाज में बोला तो वो रोने लगी। आई एम सॉरी जैनी, वो फौरन ही ठंडा पड़ गया। मेरी जान, मैं भी इसी सूली पे लटक रहा हूँ, तुम क्या समझती हो कि ताईजान के इस फैसले ने मेरी जिंदगी को हिलाकर नहीं रख दिया? तुम मेरी जिंदगी में पहली और वाहिद लड़की हो जिसके लिए मेरी बहुत खास फीलिंग्स हैं जैनी। इतने अरसे में मैंने तुम्हारे बगैर कुछ सोचा ही नहीं, मगर अब जो कुछ भी करना है तुम्ही को करना है। मैं क्या करूँ, निकाह के वक्त इनकार कर दूँ? वो चिड़ी, हाँ तुम कर सकती हो, तुम्हारा मजहब तुम्हें हक देता है। वो फिलफौर बोला, मजहब तो बहुत से हुकूक देता है, गजब तो ये दुनिया वाले ही करते हैं। उसने तलखी से कहते हुए रुखसार से आंसू झटका, मेरे बस में कुछ भी नहीं है जैनी, ताईजान ने फोन करके मेरी माँ और माँ से बढ़ के दादी जान से बहुत फजूल बातें की हैं, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। ऐसी सूरत में मैं उन्हें तुम्हारे यहाँ भेजने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी, कि ताईजान वही करेंगी जो वो सोच चुकी हैं। तो मैं क्या करूं, कामरान से शादी कर लूं? चुपचाप, उसका दिल कटने लगा। तुम हक रखती हो इनकार का जैनी, असद ने उसे याद दिलाया। दिन ही कितने रह गए हैं असद? वो बिलक गई, इनकार का क्या है जैनी, वो तो तुम ऐन निकाह के वक्त भी कर सकती हो, मगर बेहतर है कि अभी करो और उस पर अड़ जाओ। कम से कम लड़के वालों की निकाह वाले रोज तो इंसल्ट ना हो, मुझसे समझा रहा था। आप खुद क्यों नहीं कुछ करते, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। उसे अपने माँ बाप का सोच कर ही डर लगने लगा, वो भला इतनी हिम्मत दिखा सकती थी। मगर असद ने साफ लफ्जों में उससे कह दिया था कि इस आजमाइश में से उसे खुद ही निकलना होगा, वो उसे भगा ले जाने के हक में कतई नहीं था। और आज कामरान की माँ और बहन उसे शॉपिंग के लिए ले जाने वाली थी। अच्छा है ना, तड़पते रहना फिर, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं भी इतनी दिलेर नहीं बन सकती। वो गुस्से में ही उनके साथ जाने को तैयार हो गई थी। सुबह बतौर खास असद को मैसेज करके बताया भी था। दोपहर का खाना कामरान की अम्मी और उसकी बड़ी बहन नाजिया ने उन्हीं की तरफ खाया और उसके बाद चाय का दौर चला। आज आफिया बेगम ने बतौर खास सीनिया की क्लास ली थी। खबरदार जो आज उनके सामने मातमी शक्ल बना के आई, तो याद रखो शादी तो तुम्हारी कामरान ही के साथ होनी है, फिर आज ये सब करके आइंदा के लिए मुश्किलात मत पैदा करो। मेरा दिल नहीं चाहता, वो रोने को थी, मगर कोई रोता देखने को तैयार भी तो हो।
वो हुर्राई। तो फिर मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ, ये दिल की बातें उसी को बताना। उनकी धमकी महज धमकी नहीं थी, ये ज़ीनिया अच्छी तरह जानती थी। अरसद से बात होने के बाद उसने सोच लिया था कि अब वो हंसी खुशी कामरान के घर वालों के साथ जाके शॉपिंग करेगी। मोहब्बत का दावा तो वो भी करता था, इतनी आसानी से बर्दाश्त कर पाएगा। मगर अब जब के वो उनके साथ गाड़ी में चली आई थी तो दिल डूबने लगा। तो क्या मैंने अरसद से बिछड़ने की पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया है? उसके कदम सुस्त पड़ने लगे। क्या हुआ, अभी से थक गई? नाजिया उसकी सुस्त रवि पे हंसी। मैं गाड़ी में जाकर बैठती हूँ। उसने खुश्क होते लबों पे जबान फेरी। अभी तो ब्राइडल ड्रेस रहता है ज़ीनिया, वो कुछ बुरा मान गई। मैं थक गई हूँ, मैंने कभी इतनी शॉपिंग नहीं की, वो बेबसी से बोली। जी तो चाह रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ यहाँ से भाग जाए। चलो कोई बात नहीं, तुम चल के गाड़ी में बैठो, हमारा थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ी देर तक हम भी आ रहे हैं। उसकी होने वाली सास नसरीन बेगम अच्छे मिजाज की खातून थी, बेटी की तरह उन्हें जरा जरा सी बात पर बुरा मानने की आदत ना थी। अब भी उन्होंने ज़ीनिया की जर्फ पड़ती रंगत पर तरस खाया था। गाड़ी में ड्राइवर होगा, वो हिचकिचाई। तुम जाके बैठोगी तो वो खुद ही बाहर चला जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बस 15-20 मिनट का काम है। उन्होंने उसका रुखसार थपथपा कर तसल्ली आमेज लहजे में कहा तो वो उनका शुक्रिया अदा करती शॉपिंग प्लाजा के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये जाने बगैर के कोई घर से शॉपिंग सेंटर और अब उस प्लाजा से बाहर जाते हुए उसके ताकत में है। ऑटोमेटिक डोर से बाहर निकलते ही किसी ने एकदम से उसकी कलाई थामी तो ज़ीनिया की चीख निकलते निकलते रह गई। सरद से जसारत करने वाले को देखा तो अरसद को सामने पाकर मुतहयर हो गई। कुछ कहे बिना वो उसका हाथ थामे एक तरफ चल दिया और साथ ज़ीनिया बेजान कदमों से जैसे खिसकती जा रही थी। प्लाजा के बिल्कुल पास ही मौजूद छोटे से कैफे में लाकर उसने ज़ीनिया का सर पड़ता हाथ छोड़ा तो वो बेदम सी कुर्सी पर गिर गई। वो उसके मुकाबले बैठा था। अब सुनाओ क्या हालचाल है, वो बेहद प्रशासन से पूछने लगा तो ज़ीनिया ने खफा सी निगाह उस पर डाली। मौसम की मुनासबत से जीन्स पर गर्म शर्ट चढ़ाए वो लेदर के ब्राउन जैकेट की हाफ सिप खोले हुए था, गोया किसी कदर मुतमईन और आरामदेह सूरत हाल में हो। वो मजीद शाकी हुई, बहुत अच्छे हाल में हूँ खुदा का शुक्र है, उसे जलाने के लिए कहा तो वो बर्जस्ता बोला, हाँ वो तो मैंने देखा पिछले 2 घंटों से जैसे तुम अपनी शादी की शॉपिंग कर रही हो। दिल लगा के ज़ीनिया को रोना आने लगा। एक तो वो इतनी बड़ी मुश्किल का शिकार थी, ऊपर से वो तंजिया मजाक करने आन पहुंचा था। मेरे बस में जो कुछ है वही करूंगी ना, वो तरखी। हाँ ठीक कहा, औरतों के बस में सबसे अच्छी सलाहियत शॉपिंग करना ही होती है, वो सर हिलाकर बोला। आप, वो गुस्से से कुछ कहते कहते लब खींच गई। अरसद ने दिलचस्पी से उसके लाल फबूका होते चेहरे को देखा। मुझे इस तरह लाने का मकसद क्या है, उसने बेगानगी से पूछा। आई एम सॉरी तुम्हारी शॉपिंग में खलल पड़ा, मगर मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, वो मजे से बोला। मिलने को या दिल दुखाने को, वो कुढ़ी। दानिस्ता उसकी तरफ देख नहीं रही थी, इतने शानदार बंदे से जुदाई अब यकीनी थी तो दिल क्यों ना दुखता, मगर उधर तो जैसे कोई परवाह ही ना थी, सरासी जो मुस्कुराहट भी मांग पड़ी हो। मैं क्यों दिल दुखाऊंगा भला, 1.5 घंटे से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, गाड़ी में बैठा था, जब से तुम्हारा SMS मिला कि तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो आज, वो कह रहा था। ज़ीनिया का दिल कदरे खिल सा गया, तो उसे फिक्र थी, तभी तो पिंडी से यहाँ तक का सफर करके आया था, क्या फायदा इस दौड़ लगाने का, अब क्या रह गया है बाकी। उसे याद करके फिर से रोना आया तो वो जब्त करने को इधर उधर देखने लगी। फायदा क्यों नहीं, वोल्टा उससे पूछने लगा। कोशिश करके हारना सुकून आवर होता है, अब क्या कोशिश करेंगे आप, दिन ही कितने रह गए हैं पीछे। पहले जब मैंने कहा था तो आपका जवाब था कि तुम्हें खुद कोशिश करनी है, तो फिर अब क्या तमाशा देखने आए हैं, वो फट पड़ी तो अरसद ने आराम से कहा। मैंने यही सोचा था कि तुम कोई स्टैंड लोगी, उसने सर झटका। मैं अम्मी अब्बू के सामने कुछ नहीं कह सकती, पता नहीं ये साफ कोई थी अपनी बुजदिली का एतराफ। आसिम वहाँ से जाने को तैयार है, मगर मैं जानता हूँ कि ताई जान अब कभी भी दोबारा हमारे रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगी, ता वक्त ये कि लड़के वाले खुद इनकार न कर दें। वेटर चाय रख गया था, अरसद ने कप उठाने का इशारा करते हुए संजीदगी से कहा। उनका दिमाग खराब है जो मुझे इतनी महंगी शॉपिंग करा रहे हैं, अगर इनकार ही करना होता तो उसके सस्ते तरीके भी मौजूद थे, वो चढ़ गई।
सर बुरी तरह से दुखने लगा था। सो दिल जमाई से चाय का कप थामा। ऐसे में कतन ध्यान न रहा था कि वो होने वाली सास और नंद के साथ आई थी और अब वो उसे ढूंढ न रही हो। असद ने चाय का घूंट भरते हुए निकाह उस पे टिकाई। जदीद तराश के लिबास में मलबूस दुपट्टा शानों पे डाले वो अच्छी लग रही थी। ऐसे में उसका खफा सा अंदाज असद को वो पहले से कमजोर लगी। उसकी निगाहों की तपिश ने जीनिया को पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया तो वो मुस्कुराकर चाय खत्म करने लगा। सीनिया ने चाय खत्म करके कप रखा और कुर्सी खिसकाकर उठने लगी। असद ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोका। किधर? मैं लेट हो रही हूँ, आंटी और नाजिया आप ही मुझे ढूंढ रही होंगी। माय गॉड, उसे यकलख्त ही ध्यान आया कि क्या गजब होने वाला है अगर वो उसके घर पहुँच गयी तो। ढूंढ पड़ी जैनी, मेरे साथ हो तुम, वो नरमी से बोला। कब तक? सीनिया ने दुख से उसे देखा। जाके सबको जवाब मुझे देना है, आपका एडवेंचर तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। बता देना चाय पीने रुक गई थी। सो व्हाट? वो लापरवाही से बोला तो जीनिया ने अपना हाथ खींचा और कुर्सी से टेक लगा के बैठ गई। असद ने जैकेट के अंदरूनी जेब में से एल्बम निकाल के उसके सामने रखी। वो मुस्तफसाना निगाहों से उसे देखने लगी। कुछ यादें? वो हल्के से मुस्कुराया। सीनिया ने एल्बम खोली। पहली ही तस्वीर देख के उसे जोरों का रोना आने लगा। ये तब की तस्वीरें थी जब वो पिंडी गई थी और असद उन्हें बाहर लेके गया था। निमरा और कुछ अहमर ने उनकी तस्वीरें बनाई थी, ढेरों तस्वीरें जिनमें सिर्फ वो और असद थे। कितने पास, कितने शादा और फरहा, मुस्तकबिल के अंदेशों से बेखबर, आंसू उसके रुखसारों पर उतर आए थे। असद ने लब खींचे। हकीकत तो ये थी कि वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ये कामनी सी लड़की, बड़ों ने जिसे उसकी शरीके सफर बनाया था, कैसे आराम से उसके दिल में उतर गई थी। और अब अभी तो ख्वाबों का सफर शुरू हुआ था, अभी तो उनकी ताबीरें मिलनी थी। और ये जुदाई, ये तो कहीं नहीं थी, दोनों के बीच पासा ही पलट गया था। तुम पिंडी चलो मेरे साथ, वो दफतन बोला। सीनिया ने एल्बम बंद करके परे खिसकाई और हाथों से चेहरा रगड़कर गोया शिकस्त और रिख्त के निशानात मिटाने की सही की। इससे क्या होगा? सियासी पनाह ले लो यार, तुम्हारा भाई पहले से मौजूद है। वो मुस्कुराया तो सीनिया ने फराए हुए लहजे में कहा, आपको ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है? मजबूर हूँ, क्या करूँ, ताया की बेटी हो, वरना कहता चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, वो बेबसी से बोला। तुम्हें यहाँ तक नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए थी, इनकार करती और फिर उस पर डटी रहती, मगर तुम बहुत बुज़दिल हो, जिंदगी को अपने मूड से गुजारा करते हैं, उसके मूड से नहीं। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है, मुझे शौक हो रहा था किसी और से शादी करने का। वो इस इल्जाम तराशी पर गुस्से में आ गई। अच्छा चलो उठो, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, फिर वापस भी जाना है मुझे, वो बोला तो जीनिया ने मलामती अंदाज में कहा, आप यहाँ टाइम पास करने आए हैं? बेवकूफ, वापसी पे तुम्हें घर छोड़ूंगा, ताया जान से मिलूंगा। वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। सीनिया को खौफ ने घेरा। नहीं, मैं उन्हीं के साथ वापस जाती हूँ, घर में कयामत मच जाएगी। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त देखा, अभी आधा घंटा ही हुआ है, वो शायद ही आई हूँ वापस। शट अप, तुम मेरे साथ चल रही हो, वो आराम से बोला। बिल के पैसे अदा किए और उसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। खुदा के लिए असद, कहीं उन लोगों ने देख लिया तो? वो खौफ सदा हुई। अच्छा है, रिश्ता टूटने में मजीद आसानी होगी, वो लापरवाही से कहता उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। ये है वो गाड़ी जिसकी फ्रंट सीट पे सिर्फ तुम्हारा हक है, वो मोहब्बत से कह रहा था। सीनिया की पलकें नम होने लगी। अब क्या होगा असद, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे? वो सूद रंज हो रही थी। नहीं, कभी कभी मिल लिया करेंगे, इग्निशन में चाबी घुमाते हुए वो शरारत से बोला तो वो चिल्ला उठी। आप बस यही कर सकते हैं, और बस घर छोड़ दे मुझे, इतनी जल्दी, अभी तो लॉन्ग ड्राइव। वो मुतरस हुआ तो सीनिया ने दांत पीसे, भाड़ में गई आपकी लॉन्ग ड्राइव, आप मुझे घर छोड़ते हैं या मैं रिक्शा कर लूं? वो गुस्से से लाल टमाटर हो गई। कम ऑन जैनी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पार्किंग लॉट से गाड़ी निकालते हुए वो रसान से बोला। हाँ, मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, मुझे तो खुशी से फूले नहीं समाना चाहिए, आखिर को 5 साल मंगनी टूटी है मेरी, और इससे भी बढ़ के फखर तो इस बात पे होना चाहिए कि साथ ही दूसरा रिश्ता भी मिल गया और अब शादी की तैयारियां जारी हैं। बेहद सब से कहते हुए भी उसकी आवाज भर आ गई तो असद को अपनी शरारत पर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी। नहीं, माजरत तो मुझे करनी चाहिए, मैं ही बेवकूफ थी जो महज जबानी कलामी बात को पूरी जिंदगी पर मुहित कर बैठी थी। आपको ना तो पहले मुझमें इंटरेस्ट था और ना अब है। अच्छा ही हुआ किसी लेडी डॉक्टर से शादी कर लीजिएगा, वो तलखी से बोली तो उसे हंसी आ गई। फिर उसके तासुरात देखकर वो जल्दी से बोला, देखो अब तुम खुद मजाहिया बातें कर रही हो, हंसी ही आएगी ना।
मगर उसने तय कर लिया था कि अब एक लफ्ज भी न बोलेगी। घर आने तक वो बुत बनी प्रिंट स्क्रीन के पार देखती रही। असद गहरी सांस भर के रह गया। कामरान के घर से आई गाड़ी वहीं खड़ी थी, ड्राइवर समेत। आप जाएं, वो लोग भी घर में हैं। वो बहुसलत कहती नीचे उतरी। मबादा कोई घर से निकल ही ना आए तो मैं भी मिल लेता हूँ ना, 5 साल पुराना मंगेतर हूँ तुम्हारा। उसने हांक लगाई तो उसे जख्मी निगाहों से देखती हुई नीम वा गेट से अंदर दाखिल हो गई। अंदर आने तक असद का साथ खुला बैठी थी, सिर्फ जबान पर जलतू जलालतू का बिर्द था। उसे खबर थी कि आफिया बेगम उसका हशर करने वाली है। मैं तो कॉल कर करके थक गई, मगर उसका सेल ऑफ है शायद। फारिया की आवाज कॉरिडोर के सिरे पर ही उसे अलर्ट कर गई। उसे ख्याल आया अपना मोबाइल उसने ऑफ करके पर्स में डाल रखा था। वो रुक गई। खुदा खैर करे, शहर के हालात वैसे भी ठीक नहीं। कामरान की अम्मी की आवाज ही से परेशानी टपक रही थी। मैंने तो जीती जागती बच्ची आपके हवाले की थी, मुझे तो समझ नहीं आती कि। आफिया बेगम अपने लहजे की तेजी पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। कमाल करती हैं आंटी, आपका ख्याल है कि खुदा ना खास्ता हमने उसे कहीं इधर उधर कर दिया है। नाजिया को गुस्सा आया। इतनी आसानी से आप बरी जिम्मा भी नहीं हो सकती। हमने उसे आपके साथ भेजा था और अब सूरत हाल ये है कि उसका कहीं आता पता नहीं और मोबाइल भी ऑफ है। फारिया ने भी उन्हीं को मौरद इल्जाम ठहराया तो वो दोनों माँ बेटी गुस्से में आ गईं। दोनों तरफ से तंदुतेज मुकालमों का तबादला जारी था। सीनिया को मंजर आम पर आने के लिए अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करनी पड़ी। उसके लाउंज के सिरे पर नमूदार होते ही एकदम खामोशी छा गई। ये ले, आ गई आपकी बच्ची, कामरान की अम्मी ने तंजन कहा। आफिया बेगम बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ थी तुम सीनिया, पता है सब किस कदर परेशान हो रहे थे। वो खामोश रही। एक दिल ही था जो बाआवाज़े बुलंद खौफ से धक धक कर रहा था। पूछ ले इससे, हमने तो इसे गाड़ी में ही बैठने को कहा था, नासिया ने तलखी से कहा। कहाँ थी तुम, फारिया ने सख्ती से पूछा। उसे बिगड़ती सूरत हाल का अदराक हो रहा था। वो मैं प्लाजा से निकली तो मुझे गाड़ी नजर ही नहीं आई। मैं वापस गई तो ये लोग भी नहीं मिली। मैं कितनी देर वहाँ ढूंढती रही, थूक निकलते हुए उसने माजरत फाहाना अंदाज में कहा। और तुम्हारा मोबाइल, आफिया बेगम ने उसकी हवाइयाँ उड़ती शक्ल को बगौर देखा। वो उसकी बैटरी ऑफ हो गई है, आई एम सॉरी। वो बारी बारी सबकी शक्लें देख रही थी। मेरे ख्याल में हम चलते हैं, काफी देर हो गई है, नाजिया ने बेहद संजीदगी से कहा। सॉरी नाजिया बेटा, बस जज्बात में आकर मैं कुछ उल्टा सीधा कह गई। आफिया बेगम को समझाने का ख्याल आया था। कुछ नहीं, आप काफी कुछ उल्टा सीधा कह गई हैं, नाजिया ने उन्हें जताया तो वो शर्मिंदा सी हो गई। सिचुएशन ही ऐसी थी बेटा, वरना ऐसे रिश्ते तो बाहमी एतमाद की बुनियाद पर ही तय होते हैं। फारिया की निगाह सपाट चेहरा लिए खड़ी जिनिया पर थी। उसे बात कुछ और ही लग रही थी। बहरहाल अब काफी देर हो गई है, हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। अभी तो टेंशन से वैसे भी तबीयत बिगड़ी हुई है। कामरान की अम्मी का मूड भी कुछ खास अच्छा न था। आफिया बेगम और फारिया उनके आगे पिछ पिछ गईं, मगर फिलहाल वो रुकने के मूड में कदम न थी, खड़े खड़े ही रुखसत हुईं। आफिया बेगम ने गहरी सांस भरी। कहाँ गई थी तुम, फारिया ने शकी अंदाज में पूछा तो आफिया बेगम भी चौंकी। सीधी घर आ रही हूँ, कहीं जाना होता तो क्या वापस आती, उसने उल्टा पूछा। वो अब मुतमईन थी। मुझे पता था तुम्हारी बेवकूफी कोई न कोई रंग जरूर दिखाएगी। इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आई तुम्हें, लेके हमारी भी इज्जत ख्वार करा दी। मैं तो उन पर चढ़तौड़ी थी। समझ में नहीं आ रहा अब क्या बनेगा, वो दोनों तो बड़ी नाराज गई हैं। मेरा तो कोई कसूर नहीं और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं कि उसका इश्यू बनाया जाए। जो होगा देखा जाएगा, वो लापरवाही से कहती अपने कमरे में चली आई। मगर मुस्तकबिल उसके सामने सवालिया निशान की मानन था। आज असद का रवैया उसकी समझ से बाहर था। उसके अंदाज में वो शिद्दत, वो तड़प मफकूत थी जो जुदाई के ख्याल से होनी चाहिए थी। उसे याद आया पिंडी रिहाइश के दौरान वो कैसे पल पल उसका ख्याल रखता था। उसकी बातें, उसके अंदाज, उसकी मोहब्बत यूं ही तो वो सीनिया के दिलो दिमाग में नहीं समा गया था। मगर अब सीनिया को रोना आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था, असद का रवैया तो ऐसा था जैसे कह रहा हो कि जान बची सो लाखों पाए। कितने आराम से उसने कह दिया था कि अब जो भी करना है तुम ही को करना है। हालांकि वो जानता था कि जीनिया इस मामले में इतनी ही बेबस है जितना कि वो खुद। अगले दिन आसिम चला आया। आफिया बेगम यूं लापरवाह थी जैसे कुछ मामला हुए ही ना हो। आप जैनी के साथ अच्छा नहीं कर रही, वो तो यूं भी माँ के सामने बोल लिया करता था। शादी के बाद तो और भी मुंह फट हो गया था बकौल आफिया बेगम के। तुमने बहुत अच्छा किया है सबके साथ जो उसकी हिमायत का झंडा उठा के चले आए हो।
वो तनक कर बोली, आपकी नाराजगी मुझसे थी, अरशद और जीनिया की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो तब क्या, ये सब तुम्हारी दादी की पढ़ाई पट्टियां हैं, तुम्हें तो ले ही गई, बेटी को भी उसी खाई में फेंक दूं? वो तनफर से बोली तो वो चिल्ला उठा, अभी भी आप यही कर रही हैं? जानती क्या है आप कामरान रजा और उसके खानदान के बारे में? बस जिद में आकर जो पहला रिश्ता मिला उसको हाँ करके जीनिया को ठिकाने लगाना चाह रही है। चिल्लाओ मत, ये तुम्हारी दादी का घर नहीं है, वो नागवारी से बोली, हो भी नहीं सकता, वहाँ हर किसी को जायज बात कहने का हक है, चाहे कितनी भी ऊंची आवाज हो, वो तल्खी से बोला, तो जाओ रहो वहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ, यहाँ क्या ड्रामा करने आए हो? उन्होंने बेसारी से कहा। आसिम ने तासुफ से माँ को देखा, सारी उम्र जिन्होंने फकत अपने आप ही को देखा था, अपने जज्बात और एहसासात और मफादात को हमेशा दूसरों के जज्बात पर फौकियत दी थी, वो उन लोगों में से थी जो जिंदगी की बिसात पर अपनी तरजीहात हमेशा सेट करके रखते हैं और किसी को इजाजत नहीं देते कि उनके मोहरों को इधर उधर करे। मगर यहाँ बेजान मोहरे की नहीं बल्कि जीनिया की जिंदगी का सवाल था, जिसे वो किसी तौर पर बात नहीं होने देना चाहता था। जिस शख्स को आपने जैनी के लिए चुना है वो अच्छी शोहरत नहीं रखता, जल्दबाजी मत करें, आप अरशद से उसकी शादी मत करें, मगर कम से कम उसे यूं खाई में न धकेलें, वो बेहद तल्खी से कह रहा था। आफिया बेगम ने हाथ हिलाकर गोया मक्खी उड़ाई, फिर हकारत से बोली, जानती हूँ मैं, अरे सबके सीनों पे सांप लौट गए होंगे, यूं चुटकियों में अच्छा रिश्ता जो मिल गया। उन्होंने चुटकी बजा के दिखाई, तमाशा देखने की हसरत रखने वालों के मुंह पर ही जूती पड़ी है, लाहौल वाला। उनके इतने गुरूर और तनफर पर आसिम सर झटक कर रह गया। फर्ज ये कि लंबी बहस, झगड़ा, चीखना चिल्लाना कुछ भी आफिया बेगम को अपने इरादे से एक इंच भी न हिला सका। बहुत पछताएंगी आप, अरे चल, माँ को धमकाता है कबीज, जो तू करके गया है वो भी देख चुकी हूँ मैं, बालिश भर की छोकरी उंगलियों पे नचा रही है तुझे। वो हर रिश्ता भूली हुई थी, नाचार आसिम को वापस लौटना पड़ा। अरशद के घर वालों ने शब्बीर अहमद की वो तेरी मिन्नत समाजत की, मगर उनकी ना को हाँ में ना बदल सके, बारात दिए गए वक्त पर ही उनके दरवाजे पर आई थी। अरे बच्चे, तू कुछ करता क्यों नहीं, इतने आराम से तैयार हो रहा है जैसे बड़ी खुशी की शादी में शिरकत के लिए जा रहा है। दादी अम्मा को अरशद के हीरो बन के सिचुएशन को ना बदलने पर बड़ा रंज था, अब भी उसे टोके बगैर न रह सकी। हाँ तो शादी का मतलब ही खुशी होता है, जाके पुरसा तो देने से रहे, वो लापरवाही से बोला, ना तो वहाँ जाके दिल दुखाने से क्या फायदा। वो किसी तौर शादी में शरीक होने को राजी ना थी, भला वो जीनिया को देख पाती? मगर आफिया बेगम यहाँ भी दिल दुखाने से बाज ना आई थी, उन्हें बेमा अहलो अयाल शादी पे इनवाइट किया गया था और अरशद ने इस दावतनामे का यूं खैर मकदम किया था कोई अपनी ही शादी का कार्ड हो, बल्कि बारात में शिरकत के लिए उसने अपना शानदार सा सूट भी बनवाया था। उसकी पुरस्कार से सरगर्मियां घर में किसी को हजम न हो रही थी। वो और आसिम गुज़िश्ता हफ्ते कितनी ही बार शहर से बाहर गए थे, न जाने क्या करते फिर रहे थे, सब घर वालों को शादी में शिरकत का सख्ती से ऑर्डर था। इधर आसिम भी मुतमइन था, सीनिया की शादी की खबर सुनकर उस पर जो बेचैनी तारी थी अब उसका नामो निशान भी बाकी न रहा था, वल्लाह आलम। मुकर्रा रोज वो बारात की आमद से काफी पहले पहुंच गए थे। अरशद के समझाने पर सभी बड़ी मुरव्वत का मुजाहरा कर रहे थे, रिश्ता टूटने से रिश्ते तो खत्म नहीं हो गए ना, और जब मैंने हर बात खुदा पे छोड़ दी है तो आप भी उसकी रजा में राजी हो जाएं, अरशद ने कहा था। और सभी ने देखा वो कितने वकार और बर्दाश्त के साथ शादी में शरीक हुआ था, व्हाइट एम्ब्रॉयडर्ड नेवी ब्लू प्रिंट सूट में उसकी वजाहत काबिले दीद थी। वो सलाम करके हस्ब आदत आफिया बेगम के आगे प्यार लेने के लिए झुका तो एक लम्हे को तो वो भी पछतावों में घिरने लगी, एक तो डॉक्टर ऊपर से लाखों में एक, चलो खैर डॉक्टर न सही प्रोफेसर ही सही, हजारों में एक तो कामरान भी है। उन्होंने जल्द ही खुद को उस पछतावे की गिरफ्त से निकाल लिया था, अंदर ही अंदर वो उन सब की बर्दाश्त और हिम्मत पर हैरान भी थी जो उन्होंने इस शादी में शिरकत करके दिखाई थी। देखने वाले दोस्त रिश्तेदार भी अंगुश्ते बदंदा थे, ऐसी रिश्तेदारी निभाना तो इन लोगों से सीखना पड़ेगा। और उधर रात मेहंदी के फंक्शन में रो रो कर अपनी हालत खराब कर लेने वाली जीनिया पर दुल्हन बनने के बाद तो जैसे चुप तारी हो गई थी। उसने अरशद के हर ख्याल को खुदा हाफिज कह दिया था, बेईमान बन के किसी के निकाह में जाना उसे कबूल न था, मगर दिल था कि एक चुप सी तारी थी, दिमाग था कि हजारों सोचे और किसी एक पर मुंतकिस रहने की सकत न थी। वो जो अभी तक खुदा से लड़ती आ रही थी उससे शाकी थी,
खफा थी अब मन गई। मैं तेरी रजा में राजी हुई। मेरे परवरदिगार, तूने बेहतर के बदले बेहतरीन का वादा किया है तो यकीनन मेरे लिए इस नई जिंदगी में बेहतरी होगी। मैं जिसके काबिल हूँ मुझे उसी का नसीब बनाएगा। मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। हर जमीन एड़ियां रगड़ने के लिए नहीं होती क्योंकि हर जमीन के नीचे आबे जमजम नहीं होता। इसी तरह हर सिद्ध का अंजाम ख्वाहिश का पूरा हो जाना नहीं होता, ये मैंने जान लिया है। और फिर बारात आ गई। 15-20 लोगों पर मुश्तमिल मुख्तसर सी बारात का शाया निशान तरीके से इस्तकबाल किया गया था। अरशद ने निगाहों ही निगाहों में आसिम से इस्तफसार किया तो वो फौरन ही मोबाइल से कोई नंबर मिलाने लगा और फिर कुछ देर बातचीत करने के बाद उसे अंगूठा दिखाकर सब सैठे का इशारा किया तो वो मुतमईन से अपनी परेशान फैमिली के साथ जा बैठा। निमरा और अहमद भी सोगवार से बैठे थे, बल्कि निमरा तो वक्फे वक्फे से अपनी आंखों की नमी खुश्क कर रही थी। उसकी हिम्मत ना हुई थी कि जाके जीनिया को दुल्हन बना ही देख लेती। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, वो आज़ादा थी। और फिर निकाह से कुछ देर पहले वो वाकया रूनुमा हो गया जो सिर्फ टीवी न्यूज ही में देखने को मिलता था। दूल्हा यानी कामरान रजा की दूसरी बीवी अपने भाइयों भाभियों और माँ के साथ वहाँ आन पहुँची, साथ में उसके दो बच्चे, कामरान की माँ। बहन के रंग तो बदले ही थे, खुद दूल्हा मियाँ की शक्ल देखने वाली थी। तू तकार गाली गलोच खर्च ये के सबको खूब ही ड्रामा देखने को मिला। और उसके बाद सब औरतों ने मिल के दूल्हा की जो ठुकाई की वो मुद्दतों याद रहने वाली थी। तीसरी शादी की ख्वाहिश में आने वाला दूल्हा अपनी दूसरी बीवी और उसके घरवालों से मार खाकर उनके आगे लग के मैरिज हॉल से चला गया। आफिया बेगम शस्त्र थी तो शब्बीर अहमद पर भी बिजली गिरी थी, उनकी इज्जत मट्टी में मिल गई थी। आफिया बेगम का सारा गुरूर और तंतना खुदा ने एक ही हल्ले में मिटा दिया था। उनकी बिसात उलट गई थी। उनको शय मात देने वाली जात बहुत ताकतवर थी। फारिया जर्द पड़ती रंगत लिए गिरती पड़ती ब्राइडल रूम में आई। वो दुल्हन बनी जीनिया को छोड़कर दूल्हा देखने गई थी, मगर अब वापस आकर वहाँ के ठुड्डे मुक्के और लातों की तफसील बताने की हिम्मत कहाँ से लाती। जीनिया के आगे रो ही तो पड़ी। दूल्हा भाग गया है जैनी, और जीनिया ने उसे यूं देखा जैसे बात समझी ना हो। कामरान शादीशुदा निकला, बल्कि ये तीसरी शादी थी। पहली बीवी को तलाक दे चुका है, दूसरी बीवी और उसके घर वाले उसे मार पीट के ले गए हैं। सीनिया साकित बैठी थी, इस कदर सिल्लत। बाहर की दुनिया में जो तमाशा हुआ था वो उसी के नाम का था। या खुदा कौन सा गुना, मेरे रब ऐसी कड़ी आजमाइश। उसने कर्ब से आंखें मूंद ली। फारिया उसे खुद से लिपटा कर रोने लगी। उसके साथ वाकई बहुत बुरा हो रहा था। इस पूरे हॉल में जब ये तमाशा हुआ तो फकत दो नफूस ऐसे थे जो पांव पसारे कुर्सियों पर बराजमान सीने पे बाजू लपेटे बैठे तमाशा देखते रहे, अरशद और आसिम। बाकी सभी घर वाले ही उफ्ता और खेजा मामले की तहकीक के लिए भागे थे। और अब जबकि शब्बीर अहमद का ऊंचा शिमला मिट्टी में रुल रहा था तो उन्हें सबसे पहले गले से लगाने और उनकी हिम्मत बंधाने वाले चचा जान थे। आफिया बेगम तो शर्म से मर जाने को थी, रोए चली जा रही थी। बेटी की बर्बादी का खूब एहसास हो रहा था। एक बारात हम भी लाए हैं शब्बीर अहमद, क्या बेटी को हमारे साथ रुखसत न करोगे? दादी अम्मा को तो यूं भी अपनी सी करने की आदत थी, बड़े फखर और मान के साथ बेटे से कहा तो वो माँ से लिपट कर रो दिए। आफिया बेगम का गुरूर मुंह के बल गिरा था। क्या इस सारे तमाशे के दौरान उन्होंने कई रिश्तेदारों के होंठों पर धीमी मुस्कुराहटें ना देखी थी? वो क्यों कर न मोम होती, चची जान के सामने बिलक उठी तो उन्होंने सीने से लगाकर इज्जत दी। जो तमाशा हो चुका उसे भूल जाओ, जो घर की बातें हैं उन्हें बाहर निकलने का मौका मत दो, बड़े फखर के साथ बेटी को रुखसत करो। दादी अम्मा ने नसीहत की तो आफिया बेगम को पहली बार उनकी नसीहत बुरी नहीं लगी। वो बिदक उठी। निकाह ख्वां और गवाह अंदर तशरीफ ले आए थे। कौन? और अरशद का नाम सुनकर वो साकित रह गई। तो कुर्बानी का बकरा अरशद? उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इजाब और कबूल के मराहिल तय हुए, निकाह नामे पे दस्तखत किए और अपना आप अरशद के नाम कर दिया। मगर इस तरह से? मुझे माफ कर देना जैनी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बल्कि बुरी औरत कहो, तभी तो किसी भी रिश्ते को अच्छी तरह से नहीं निभा सकी। रुखसती के वक्त आफिया बेगम उसे गले से लगा के माफी मांगते हुए रो पड़ी तो उसके भी जब्त का हर बंधन टूट गया। इतना अच्छा फैसला हो गया, इसका मतलब यही है कि खुदा ने हमें माफ कर दिया है, तभी तो खाई में गिरने से बचा लिया। शब्बीर अहमद जिंदगी में पहली बार इतने आजिज दिखाई दिए थे।
खुदा का शुक्र है यार, दूसरी पार्टी टाइम पे पहुंच गई। मैं तो डर ही रहा था, आसिम असद के साथ चिपका हुआ था। अबे साले, मैं तेरा बैंड बजा देता अगर आज मेरा बैंड ना बजता तो। वो जेरे लब मुस्कुरा रहा था। निमरा खुश थी, अहमद शाह और कासिम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। ये सब आसिम और असद ही की इन्वेस्टिगेशन और प्लानिंग का नतीजा था। कामरान की दूसरी शादी और घर वालों को इन टाइम बुलाकर सारा मामला खत्म करा दिया। वो चाहते तो एक आध दिन पहले भी कामरान के पोल खोल सकते थे, मगर उम्मीदें वासक थी कि आफिया बेगम सीनिया के लिए कोई और रिश्ता ढूंढने निकल पड़ती, क्योंकि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। मगर यूं इन टाइम वो जानते थे असद ही फर्स्ट चॉइस होगा, इसलिए मजबूरन कामरान की बीवी को एन बारात वाले दिन का टाइम देना पड़ा, जिसका क्लाइमेक्स बहुत खूब हुआ था। 3 घंटों के मुसलसल सफर के बाद वो लोग पिंडी पहुंचे तो रात के 3 बज रहे थे। नींद और थकावट से सबका बुरा हाल, मगर खुशी हर तकलीफ पे हावी हो रही थी। आसिम और उसकी फैमिली वहीं रह गए थे और घर वालों के साथ ही अब वलीमे में शिरकत के लिए आते, जो आराम और सुकून के साथ 2 दिन बाद मुनक्कद किया जाना तय पाया था। आफिया बेगम ने खुले दिल और खुले बाजुओं के साथ बेटे बहू और पोतों का इस्तकबाल किया था। असद कमरे में दाखिल हुआ, हैंड लॉक दबाकर पलटा तो ठिठक सा गया। वो बैठ के बजाय कुर्सी पर विराजमान थी। उसे देखकर उठ खड़ी हुई। सुर्ख सरदार लहंगे में वो बेहद हसीन दुल्हन बनी थी, मगर सीने पे बाजू लपेटे खफा और नाराज। वो मुस्कुराया, मगर उधर वही तेवरी पे पल। असद ने बाजू वाह कर दिए, मगर वो कोई फिल्म की हीरोइन नहीं थी कि भाग के सीने से लग जाती और दी एंड हो जाता। ये सब क्या ड्रामा है, वो तलखी से बोली तो गहरी सांस भर के असद ने बाजू नीचे किए और चंद कदमों का फासला तय करके उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे शक था कि तुम गोल्डन नाइट को यूं ही जाया करोगी मुनकर नकीर, मुझे सिर्फ सच जानना है, वो बसित थी। सच्ची बताऊं, मुझे तुम्हारे होंठों का खम बहुत अच्छा लगता है, वो सरगोशी में कहता उसकी तरफ झुका तो वो बड़ा फरोख्ता सी पीछे हटी। असद ने उसकी चूड़ियों भरी कलाई थाम ली। ये सब अल्लाह की मर्जी है जैनी, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए था, फिर हम किसी और का नसीब कैसे बन सकते थे। बड़ी सहूलत से उसे बाहों के घेरे में लेते हुए वो नरमी से बोला, तुम्हारे तशक्कुर के जीनिया की आंखें भर आईं। मैंने सोचा घर वालों ने आपको कुर्बानी का बकरा बना डाला। शाबाश, मैं स्पेशल सूट बनवा के इसी मौके के लिए पहन के गया था, मगर तुम्हें मेरे मुतालिक कभी कोई अच्छा ख्याल आया था जो अब आता, वो कराहा। और अगर वो शादीशुदा ना होता तो फिर क्या होता, वो उसकी बाहों के घेरे में भी परेशान थी। असद ने उसे अपने सामने किया, उसके होंठों पे उंगश्त शहादत रखी। ये खुदा के फैसले हैं जैनी जान, और वो जो चाहता है वैसे ही हो जाता है। अगर तुम मेरा नसीब ना होती तो मैं कोई भी हरपा आजमा लेता, नाकाम ही रहता। थैंक गॉड, वो भीगती आंखों समेत हंसती तो असद ने दिलचस्पी से धूप छाओं का ये मंजर देखा। हाँ, थैंक्स टू गॉड। और अब तो, उसने शरारत से कहते हुए बाजू खोले तो वो शर्माती ले जाती हुई उसकी पनाहों में आ गई। वो खुदा की रजा में राजी हुई तो खुदा ने अपनी रजा को उसकी रजा बना डाला था। उसकी चाहतों के फूल राह की धूल बनने से बच गए थे। ये नॉवल तो पहुंचा अपने अख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।